हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं अपना गुरु नीति का 18वां एपिसोड। और इस एपिसोड के अंदर हमने टॉपिक्स लिए हैं, एक तो सरफेस टेंशन और एक इलास्टिसिटी। तो सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, इन दोनों के कुल मिलाकर के 32 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का सिलेक्शन अपन ने इस प्रकार से किया है कि इसमें आपका सारा का सारा जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो सारे के सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे और सारी आपकी थ्योरी है वो रिवाइज हो जाएगी। ये हमारा इसके अंदर मेन मोटो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चंस है उनका लेवल बिल्कुल एकदम नीट के अकॉर्डिंग है, नीट ओरिएंटेड आपका काम होगा पूरा का पूरा। तो दोस्तों, मैं हूं सुखदेव चौधरी। और मैं हूं सुखदेव सोलंकी, आप मुझे सोलंकी सर भी बुला सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो टॉपिक है नीट में, यहाँ से जो प्रॉब्लम पूछी जाती है बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी जाती है, अरे बच्चा थोड़ा सा टाइम दे दे तो इस चैप्टर को अच्छे से बना सकता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात। और स्टार्ट करें? बिल्कुल जी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देवदान से, ए 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फर्मली फिक्स्ड टू द सीलिंग एंड वेट ऑफ 10 kg सस्पेंडेड ऑन द अदर एंड व्हिच रिमेंस 1 मीटर अबव द ग्राउंड इफ इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ वायर इज 1 mm। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, डेल्टा एल दे रखा है, ठीक है ना। ये डेल्टा एल अपने को गिवन है और यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये 10 kg, ये अपने को इसका वेट दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है वो आपको पूछी जा रही है। तो ये तो स्प्रिंग वाला सा केस हो गया। स्प्रिंग के अंदर अपन जानते हैं, क्या जानते हैं स्प्रिंग में क्या फॉर्मूला होता है सर, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा यू इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, के एक्स इंटू क्या देगा आपके पास, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस के एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स। ये तो फोर्स हो गया, बच्चा जानता है अच्छे से। बिल्कुल। तो ये अपने पास बन जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। अब सर फोर्स अपने को यहाँ पे गिवन है, 10 केजी का वेट अपन यहाँ पे लटका रहता है जी, ठीक है ना। तो 10 केजी का फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो ये अपने पास में कितना देगा, 100 इंटू। अब एक्स की वैल्यू अपने को यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, देखो ये एक्स गिवन है, डेल्टा एल अपने को गिवन है, तो यही अपना एक्स हो गया। तो कितना, 1 mm। तो इसको मैं 10^-3 लिख दूंगा और डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में, 2 हो जाएगा। और यदि इसको मैं सोल्व कर देता हूँ तो ये मेरे पास में जाएगा कितना, 0.1 / 2, तो 0.05। ये अपना सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं फिर उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टील वायर और क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका अपने को एक गिवन है यहाँ पे 3 × 10^-6 मीटर स्क्वायर कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेन ऑफ 10^-3 यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ये वही आपको गिवन है यहाँ पे, द मैक्सिमम मास ऑफ द वायर, मैक्सिमम मास कितना ये सेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, यंग मॉडुलस दे रखा है, ठीक है ना, और इसका एरिया अपने को दे रखा है, ठीक है, और मैक्सिमम स्ट्रेन आपको दे रखी है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में स्ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल। बेसिक फॉर्मूला जो बच्चा यूज करता है, सारी बेसिक फॉर्मूला से प्रॉब्लम है, वो यूज करें तो आंसर इजीली मिल जाएगा आई थिंक। बिल्कुल। तो देखते हैं, देखें यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है जी। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को अपन लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को अपन लिख सकते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब या जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल बाई एल, इस स्ट्रेन की वैल्यू डायरेक्टली अपने को गिवन है, तो या इसको अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन ए इक्वल टू क्या देगा आपके पास, वाई इंटू डेल्टा एल अपॉन। तो y की वैल्यू क्या दे रही है सर, 2 × 10^11, 2 × 10^11, तो 2 × 10^11 अपने को गिवन है। और डेल्टा l / l चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये क्या होता है, स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन होती है, वो भी गिवन है अपने को, स्ट्रेन भी अपने को गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, 10^-3 अपने को गिवन है। तो इसको अपन लिख देंगे 10^-3, तो ये अपने पास है कितना बन जाएगा, 2 × 10^8, ये अपने पास 8 आ गया। अब ये तो अपने पास स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आ गया, बट यहाँ पे अपने को क्या पूछा जा रहा है, फोर्स पूछा जा रहा है, मतलब मास पूछा जा रहा है, मास, ठीक है ना। तो यहाँ से अपन फोर्स निकाल देते हैं, तो F इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये जाएगा अपने पास 2 × 10^8 इंटू एरिया, एरिया अपने को क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 3 × 10^-6, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 3 × 2 = 6, 600,
जी ये न्यूटन में आ गया, ये न्यूटन में आ गया, तो इसको अपन एम जी के बराबर कर देंगे। तो एम इंटू जी कितना हो जाएगा आपके पास है टेन, तो यहाँ से एम इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपके पास 60 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर से अपन 60 kg का मास लटकाते तब तक तो ये विदिस्टेंड करेगा, और 60 से जैसे आपका मास एक्सीड कर जाएगा ये वायर वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर देखिए आप। बिल्कुल सर, द पोटेंशियल एनर्जी यू बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस एक्स बिटवीन देम हैज बीन शोन द फिगर द टू मॉलिक्यूल्स आर। टू मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है और पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्टेंस के बीच में आपको कर्व दे रखा है, तो कर्व का आप कहेंगे स्लोप कंटिन्यूसली चेंज हो रहा, और कुछ पॉइंट भी आपको दे रखा है, इन पॉइंट पे आपने कहा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो नेचर है वो आपको देखनी है। तो यहाँ से अगर फोर्स की बात करते हैं सर, तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमें मिलता है F = -du/dx, ऐसा कुछ मिलेगा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ऐसे कुछ फॉर्मूला मिल गया, तो हम देखेंगे कि इस लाइन का जो स्लोप मिल रहा मुझे वो कैसा मिला, नेगेटिव स्लोप मिल गया। इस लाइन का स्लोप हमें क्या मिला, पॉजिटिव स्लोप मिल गया, और इस पॉइंट का आपने कहा स्लोप जीरो मिल गया है। जब स्लोप नेगेटिव है आपने कहा dy/dx की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, du/dx की वैल्यू देखेंगे, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब फोर्स कैसा मिल गया आपको, पॉजिटिव मिल गया। पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, और आप यहाँ पे देखेंगे स्लोप पॉजिटिव मिला तो फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, नेगेटिव। नेगेटिव यहाँ पे फोर्स जो मिला है वो पॉजिटिव, डिनोट कर देते हैं बच्चा कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे फोर्स जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव आप पॉजिटिव फोर्स यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है ये रिपल्सन है, प्रतिकर्षण हो रहा है, और नेगेटिव फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ आपने कहा ये न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा इस कंडीशन में। अब ऑप्शन को आप रीड कर लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन देर का अट्रैक्ट व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में आपने कहा अट्रैक्शन दे रखा है, जो कि रॉन्ग है, अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, फर्स्ट आपने कहा नहीं मिलेगा। अट्रैक्ट व्हेन एक्स लाइज बिटवीन बी एंड सी एंड रिपेल व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, आप कहेंगे यहाँ ये हो रहा है बी और सी के मध्य अट्रैक्शन हो रहा है और रिपेल हो रहा है ए और बी के बीच में, तो आई थिंक ऑप्शन जो मिलेगा वो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होता है वो यूएक्स जो ग्राफ है इसकी स्लोप की नेगेटिव स्लोप के बराबर, नेगेटिव स्लोप की, स्लोप की नेगेटिव वैल्यू अपने को फोर्स देगी, जी है ना। तो आपका कहने का मतलब ये कि यहां से लेकर के यहां तक ये तो अपने को शो करेगा किसको, नेगेटिव स्लोप का, रिपल्सन को, रिपल्सन, और यहां से लेकर यहां तक अगर अपन बात करें तो ये अट्रैक्शन को, जी। और बिल्कुल ऐसे होता है जैसे दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, एक डिस्टेंस होती है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इसको अपन आर नॉट बोल सकते हैं। तो इस आर नॉट डिस्टेंस पे दोनों के बीच में फोर्स है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन रिपल्सन बराबर होता है, जैसे डिस्टेंस अपन कम कर देते हैं आर लेस देन आर नॉट बन जाता है, इस स्थिति में फोर्स रिपल्सन का ज्यादा हो जाता है या नेट रिपल्सिव फोर्स बन जाता है, और अगर डिस्टेंस अगर अपन क्या कर देते हैं ज्यादा कर देते हैं तो इस स्थिति में नेट फोर्स कैसा बन जाता है, अट्रैक्शन का बन जाता है, जी ठीक है ना। और यही वजह होती है इलास्टिसिटी की, इसी वजह से कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी जो मैटर होता है वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलेगा आपके पास में दो मॉलिक्यूल्स है, ये जैसे मान के चलेगा कोई रोड है, ठीक है ना, और इस रोड के अंदर जैसे दो मॉलिक्यूल्स है, ये दो मॉलिक्यूल्स में कंज्यूम कर लेता हूँ, अभी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है, तो इन दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन उतना रिपल्सन ऑब्वियसली, तो नेट फोर्स जीरो है। अब जैसे मैं इसको यहां से क्या करता हूं, यहां से किसी सपोर्ट से जोड़ करके इसको मैं इस प्रकार से खींचता हूं, तो खींचता हूं तो ऑब्वियसली इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है बढ़ेगी, आर नॉट से ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो अपन इस रीजन में पहुंच चुके हैं, और इस रीजन में पहुंचने का मतलब यह है कि अब अट्रैक्शन फोर्स है वो इफेक्टिव हो जाएगा, तो यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को पीछे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और अगर इस डिफॉर्मिंग फोर्स को अपन हटा लेंगे तो हटाते ही तुरंत प्रभाव से वापस अपने जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो गेन कर लेता है, जी जी, इसकी वजह यही होती है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको एक्ट करेगा और ये वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, बिल्कुल जी। तो ये जो ग्राफ है एक्चुअली ये वाला जो ग्राफ है यही आपको पूरी इलास्टिसिटी समझाता है, इलास्टिक बिहेवियर का रीजन यही होता है बच्चों, ठीक है ना। तो चलो सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपन स्क्रीन क्लीन कर देते हैं, ये क्या कह रहा है जी, ये बोल रहा है टू वायर आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम, हाउएवर वायर फर्स्ट हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड वायर सेकंड हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3a, इफ द लेंथ ऑफ वायर फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय डेल एक्स ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ,
हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेस वाई सेकेंड बाय द सेम अमाउंट। तो इसमें अगेन यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। तो चलो सर इसको देख लेते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, देखो बच्चों, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अपन जानते हैं, वाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एफ एल अपॉन, या आपके पास हो जाएगा ए, इसको अपन बोलेंगे डेल्टा एल बोलेंगे जी, ठीक है ना। अब देखो अपने पास है दो वायर है, तो एक में लिख देता हूं वायर फर्स्ट हो गया, एक आपके पास वायर हो जाएगा सेकंड, और यहां पे दोनों का वॉल्यूम बराबर देते हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब आपको ये बोला जा रहा है कि वायर वन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना देगा ए, ठीक है ना, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना देगा अपने को थ्री ए देंगे। दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, तो इसका एरिया अगर थ्री टाइम्स होगा तो इसकी लेंथ थ्री टाइम्स हो जाएगी, इसकी लेंथ अगर एल होगी इसकी लेंथ कितनी अपने पास में थ्री एल हो जाएगी, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब ये बोला जा रहा है कि फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, तो अपने को फोर्स चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं फोर्स को साइड कर लेते हैं, तो F इक्वल टू कितना देगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन क्या देगा एल हो जाएगा। अब अपने को यहां पे जो है सेम मटेरियल दे दिया है, ठीक है ना, वाई तो यंग्स मॉडुलस है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो वाई को अपन क्या कर देंगे सेम कर देंगे, और इसके बाद में जो आपको ऐसे बोला जा रहा है कि इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर सेकंड बाय द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट से स्ट्रेच करना है, स्ट्रेस मतलब आपके पास डेल्टा एल सेम हो गया, ठीक है ना, तो इस डेल्टा एल को भी मैं सेम कर दूंगा, तो यहां से मेरे पास में एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा एल, ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं दोनों से, अपने पास में ऐसे लिख सकते हैं अपन कि जो ऐसे बोला जा रहा है फर्स्ट वायर के लिए कितना फोर्स चाहिए अपने को, एफ फोर्स चाहिए, तो सेकेंड के लिए निकालना है, तो सेकंड के लिए जो एरिया है वो तो कितना हो जाएगा आपके पास थ्री टाइम्स, और सेकंड की जो लेंथ है वो फर्स्ट की कितनी हो जाएगी आपके पास वन बाई थ्री टाइम्स हो जाएगा जी जी, तो थ्री थ्री ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास नाइन, तो फोर से वो नाइन टाइम्स हो जाएगा, तो एफ का नाइन टाइम्स क्या हो जाएगा सर नाइन, फोर्थ ऑप्शन। तो ये अपना कितना देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो इलास्टिसिटी इसके अंदर जो यंग मॉडुलस है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और यंग मॉडुलस का एक जो फॉर्मूला है उससे काफी सारी प्रॉब्लम सब आपकी सोल्व हो सकती है, ठीक है ना। तो चलो सर देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ फोर वायर्स, चार वायर्स है सेम मटेरियल के, तो सर सेम मटेरियल का मतलब यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, ठीक है ना। उनकी डायमेंशन अपने को गिवन है, क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो लेंथ दे रखी है, एक अपने को डायमीटर, तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन लेंथ विल बी मैक्सिमम व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड, तो टेंशन आप सेम अप्लाई कर रहे हैं तो किसके अंदर किसकी लेंथ में आपको मैक्सिमम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो सर फिर वापस वही फॉर्मूला लगा देंगे, अप्लाई करेंगे ना फिर लेस मिल जाएगा, तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा y इक्वल्स टू f l अपॉन a डेल्टा l। ये देखो मैंने याद कर गया, तो आप भी इसको ऐसे किसी याद कर सकते हैं, तो आपके पास बन जाएगा डेल्टा l इक्वल्स टू डेल्टा l बराबर क्या देगा f l अपॉन a इनटू y y। अब यहां पे सेम टेंशन यानी फोर्स आपने सेम कर दिया, यंग मॉडुलस सेम है, तो फिर उसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं एफ एल अपॉन ए को अपन क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, भाई इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का वो कैसा होता है सर्कुलर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, बट यहां पे रेडियस नहीं दे रखी सर अपने को डायमीटर दे रखे हैं, डायमीटर में तो जितना रेडियस में चेंज होगा वो डायमीटर में चेंज होगा, बिल्कुल, तो इसको मैं आर को अगर डी बाई टू से रिप्लेस कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी डी बाई टू स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई फोर फोर, ठीक है ना, इंटू क्या देगा वाई देगा, तो यहां से मेरे पास में बन जाएगा डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा एल अपॉन डी स्क्वायर जी। अब ओबीसी बात है कि जिस वायर के लिए एल अपॉन डी स्क्वायर रेशियो मैक्सिमम होगा उस वायर में जो चेंज इन लेंथ है वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, सिंपल सा फंडा है, तो चलो सबके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा इसके अंदर, तो सर बिल्कुल सर सबसे पहले फर्स्ट वायर के लिए अपन बात करते हैं, तो एल कितना देगी बताओ 100 अपॉन 1, डायमीटर कितना देगा 1, और सेकंड वायर के लिए बात करते हैं 200 बाई तो कितना देगा 200 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 4 हो गया, तो फिर उसके बाद में थर्ड के लिए एल कितना देगा आपके पास 300 बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, और नेक्स्ट के लिए 50 डिवाइडेड बाई 0.5 का कितना देगा 0.25 हो जाएगा, तो ये अपने पास है कितना देगा 200 हो जाएगा, और मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम ये वाला नंबर, ये सारे सारे इससे छोटे हो जाएंगे जी जी, तो फोर्थ वायर है उसकी लेंथ में आपको सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो चलो फोर्थ ऑप्शन इसका मैं टिक कर देता हूं, ठीक है, तो ये अपन स्क्रीन इसकी
फिर भी क्लीन क्लीन और क्वेश्चन चेंज करो सर जी जी। तो देखो मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन है इलास्टिसिटी के अंदर वो यंग मॉडुलस का जो फॉर्मूला उसी से आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक ध्यान से देखना, देखो कोई भी जो वायर होता है वो वायर स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, उसका स्प्रिंग के स्प्रिंग से जो एनालॉजी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपको मैं समझाऊंगा। देखो सर ये क्वेश्चन देखिए आप, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू mg l पाई स्क्वायर अपॉन l फार्मूला वुड गिव y इफ mg इज डबल। आप कहेंगे यंग्स मॉडुलस में चेंजेस पूछा गया जब mg को हमने डबल कर दिया। यंग्स मॉडुलस किसी भी वायर का या किसी भी मटेरियल का किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ये आपने कहा कांस्टेंट रहेगा, गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट है। तो mg को चेंज कर दे, लेंथ को चेंज कर दे, रेडियस को चेंज कर दे, डायमीटर को चेंज कर दे, उस कंडीशन में यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे यंग्स मॉडुलस का क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, फोर्स को डबल करने पर सेम रहना चाहिए। तो बाद में mg को जब डबल किया तब भी यंग्स मॉडुलस आपको क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो यंग मॉडुलस होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है जी, ठीक है ना। जैसे स्टील का वायर है तो चाहे छोटा वायर ले लो चाहे बड़ा वायर ले लो, चाहे मोटा वायर ले लो चाहे पतला वायर ले लो, जो स्टील है उसका यंग मॉडुलस एक गिवन टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट रहता है। अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो यंग मॉडुलस आपका चेंज हो सकता है। कैसे, अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो फिर उसके बाद में जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स है वो चेंज हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो उससे जो यंग मॉडुलस है वो भी चेंज हो जाएगा। तो सर आपका ये कहना है इसके अंदर कि यंग मॉडुलस है वो सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो बहुत सिंपली कई ज्ञानी होते हैं वो इस प्रकार से ज्ञान लगाते हैं कि mg को दुगुना कर दिया कि लो सर mg को अगर मैं दुगुना कर दूंगा तो y भी डबल हो गया, तो फिर उसके बाद इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो उस आदमी को मैं ये समझाना चाहूंगा कि y बराबर कितना रहेगा आपके पास, mg l अपॉन ये आपके पास हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू क्या रहेगा l। तो अगर आपने इस mg को अगर आपने डबल कर दिया तो फिर उसके बाद दूसरी जो क्वांटिटीज है उसके अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद y अल्टीमेटली आपका कांस्टेंट है। अगर आप तो सिंपल इतना सा ध्यान रखें कि y है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, इसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। तो चलो सर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो ये कह रहा है कि टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ बट डायमीटर इन द रेशियो 1:2, यानी डायमीटर का रेशियो आपको गिवन है, सेम फोर सेम को अपन खींचते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों मैंने इसको इस प्रकार से याद रखा है कि स्प्रिंग वाला फॉर्मूला ये कभी कोई बच्चा भूलता नहीं है सर, ठीक है ना। जैसे मतलब इसको अपन बोल सकते हैं हाफ ये आपके पास हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और यूनिट वॉल्यूम के लिए इसको मैं यू बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा एनर्जी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको अपन बोलेंगे के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इनटू वॉल्यूम हो जाएगा जी। अब के होता है ना वो किसके बराबर होता है, y a by l के बराबर होता है। ये कैसे आता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो जैसे आपके पास में f इक्वल टू क्या बन जाता है y a by l इनटू क्या देगा डेल्टा l बन जाएगा। तो इसको मैं f बराबर के x इससे कंपेयर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास x बन गया तो k क्या बन जाएगा y a by l जी जी। तो कोई भी जो वायर होता है उस वायर का स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होता है, फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है, y a by l के बराबर होता है। तो यहाँ पे k को मैं क्या लिख दूंगा y a by l लिख दूंगा जी बिल्कुल। तो y a इसके बाद x स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास में 2 vl, vl तो v को मैं लिख देता हूँ एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो l l क्या बन जाएगा l स्क्वायर बन जाएगा, a से अपन a को कैंसिल आउट कर देते हैं जी, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये बन जाएगा आपके पास 1/2 इंटू क्या देगा वाई इंटू एक्स बाई एल। एक्स क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ जी, ये तो अपनी स्ट्रेंथ बन गई, स्ट्रेंथ बन गई बिल्कुल। और स्ट्रेंथ का अपन स्क्वायर कर देंगे तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा स्ट्रेंथ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास स्ट्रेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ को अपने को फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो फिर अपन क्या लिख देंगे इसके अंदर स्ट्रेंथ क्या बन जाएगी सर और फिर उसके बाद में देखो सेम मटेरियल सेम देर का, तो सर फिर उसके बाद यू बार
क्या बन जाएगा देखो, ये आपके पास आ जाएगा यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस स्क्वायर। स्ट्रेस को अपन क्या लिख देंगे, फोर्स अपॉन एरिया राइट, फोर्स अपॉन एरिया लिख देंगे। फोर्स सेम दे दिया, फोर्स सेम दे दिया, तो आपने एफ अपॉन ए राइट किया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, दैट्स द स्टॉक। क्या बोलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया का स्क्वायर हो गया। अब आप इनकी फोर्स सेम हो गया तो ये क्या मिलेगा, डायरेक्शन प्लस टू वन अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को रेडियस के टर्म में या फिर डायमीटर के टर्म में, तो हमें क्या मिलेगा, डी बाई टू का होल फोर बन जाएगा। ऐसे कुछ मिल गया, बिल्कुल। तो रिलेशन जो आप सर बता रहे थे, यू बार इज डायरेक्शन प्लस टू वन अपॉन में डी की पावर फोर आपको मिल गई, फोर मिल गया। तो यहां से आप देखेंगे रिलेशन, रेशियो आपको वन रेशियो टू दे रखा है, यहां से टू का होल फोर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 16। प्रॉपरली आना चाहिए। देखो जैसे मतलब इसको थोड़ा सा ज्यादा लंबा खींचते, आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला ये याद भी रख सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि स्ट्रेस इस पर अपॉन टू वाई, ठीक है ना, ये आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, ये नीट के हिसाब से जो भी आपने सर फॉर्मूले बताई, हर फॉर्मूले से डाउट पूछा जाता है, नीट का पेपर देखेंगे प्रीवियस की, तो कभी यहाँ से पूछा, कभी यहाँ से पूछा, कभी यहाँ से पूछा, कभी यहाँ से पूछा, तो फॉर्मूला आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। हाँ, सारे फॉर्मूला आपको याद तो डायरेक्ट आप फिट कर सकते हो, बट फॉर्मूला रिप्लेस करना बच्चे को आना चाहिए, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक फॉर्मूला उसको याद कर लो आप, बाकी सारे सारे फॉर्मूले याद करना कोई ज्यादा अच्छी हैबिट होती नहीं है। बेसिक फॉर्मूला जैसे ये वाला फॉर्मूला याद रखो, इसके बाद में के बराबर क्या होता है आपके पास, वाई ए अपॉन एल होता है। ये कुछ बातें होती हैं, सिंपल बातें जो आपको डायरेक्टली माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलो सर, सात नंबर से क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ अपन आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, यूनिफॉर्म प्लेन ऑफ यंग मॉडुलस वाई दे रखा है, मूव ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है ए दे रखा है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑन प्लैंक इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेज, ये आपको दे रखा है। कोई भी प्लैंक दे रखा है अपने को, और प्लेंग इसके मटेरियल का यंग मॉडुलस अपने को दे रखा है, जैसे मतलब y दे रखा है, y गिवन है, ये अपने को y गिवन है, और फिर उसके बाद इसको अपन एक फोर्स f से खींच रहे हैं, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये गिवन है, ये अपने को a गिवन है, ठीक है ना। और तो आपको ऐसे मतलब इसके अंदर क्या पूछी जा रही है, संपीडन विकृति, मतलब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेन इसके अंदर पूछी जा रही है। तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फिर अपन यही बोल सकते हैं कि वही फॉर्मूला हो गया ये, तो बिल्कुल बिल्कुल वाई वाला वही फॉर्मूला मिल गया, y का फॉर्मूला लिख देंगे अपन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y इक्वल टू क्या होता है आपके पास है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ जी, स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपके पास f अपॉन a, और स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली अपन स्ट्रेंथ लिख देंगे, हाँ उसी ऊपर, तो इसके बाद में वन अपॉन ये आपके पास स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ ही तो पूछी जा रही है जी जी बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में डायरेक्टली ये आपके पास बन जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल टू f अपॉन y, f अपॉन a इनटू ये आपके पास y, तो ऐसा कोई ऑप्शन है f अपॉन a इनटू y, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्वेश्चन है, आप ये समझें कि आपको नीट की अगर अपन बात करें तो 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, यानी एवरेज अगर अपन बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो नीट का जो पेपर सेट करने वाला है वो उसके दिमाग में ये चीज तो कम से कम रहेगी कि बच्चे को एक मिनट मिल रहा है तो एक मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड मान लो, दो मिनट मान लो, इतना लंबा प्रोसीजर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा कि उसको सॉल्व करने के लिए आप बैठे तो 5 से 10 मिनट अगर लग जाए, ठीक है ना, फिर तो पेपर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये देखें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको कभी नहीं भूलना है, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट के जैसे पिछले 8-10 साल के पेपर्स वगैरह आप हमारे सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको इसके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे, वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार क्वेश्चंस के लेवल अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं वो ही नीट के अकॉर्डिंग है, नीट ओरिएंटेड है, क्यों सर सही कह रहा हूं मैं? हम थियोसिस को पेपर देख के जब स्टडी करते हैं तो हमें ये फील होता है या हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम 80-85% जो होती है इजी गोइंग होती है, इजी गोइंग होती है, आप जैसे आप पेन चलाओगे थोड़ा सा माइंड यूज करोगे विद इन 30-40 सेकंड में आंसर आता है, बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि 90 सेकंड, ऐसी प्रॉब्लम दो या चार प्रॉब्लम पूछी जाती है उसमें 90 सेकंड लगे या 2 मिनट्स लगे कोई दिक्कत नहीं, पर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती है बिलो 1 मिनट की होती है, 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाती है, तभी स्कोरिंग इतना बच्चा कर पाता है, कट ऑफ भी आपने का 600 प्लस जाती है और टॉपर आपने का पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आ रहा, तो ऑब्वियसली आपने का पेपर जो सेट होता है वो अच्छे से होता है और नीट बेस्ड भी होता है, एनसीईआरटी बेस्ड भी होता है, आप बिल्कुल सही बता रहे थे सर। तो बिल्कुल सर, आप इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि सेलेक्ट करो और सेलेक्ट हो जाओ, क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने आने चाहिए,
जो नीचे के क्वेश्चन होते हैं जो इजी या मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं वो आपका सिलेक्शन फिक्स करते हैं, सिलेक्शन आपका इश्योर करते हैं, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो आपकी रैंक बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार सिलेक्शन है उसको तो अपनी झोली में डालें, उसके बाद में रैंक अपन बूस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और स्टार्टिंग इजी, अगर 8-10 क्वेश्चन अपन ने कर लिए तो थोड़ी बॉडी भी वार्म अप हो जाती, माइंड भी वार्म अप हो जाता, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। विदाउट कॉन्फिडेंस तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, नॉलेज आपके पास कितना, डजंट मैटर, आप कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी है जी, ठीक है ना। चलो अपन बात करते हैं फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो सर देखिए क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपसे बोल रही है, अ मेटल बार ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए इज compelled between two rigid supports. For the material of rod, its Young's modulus y and coefficient of linear expansion is alpha. If the temperature of rod increased by delta degree Celsius, the force exerted by the rod on the support is. तो सर इसमें I think ऐसे कुछ दे रखा है, two rigid support है, और rigid support में आपने एक metal bar को fixed कर रखा है। अब metal bar को आपने fixed कर रखा है और इसका temperature change कर रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक तो इसमें क्या हो रहा, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा, आई थिंक थर्मल एक्सपेंशन हो रहा, बिल्कुल थर्मल एक्सपेंशन हो रहा, दैट इज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, आप कहेंगे एक फोर्स एक्सटेंड करेगा सपोर्ट पे, तो फोर्स आपने एक्सटेंड करेगा उसी फोर्स की वैल्यू इन्होंने पूछी है कि कितना फोर्स एक्सटेंड करेगा, लेंथ आपको एल दे रखी है, एरिया आपको एल दे रखा है, और यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है, थर्मल कोएफिशिएंट आपको वाई दे रखा है। तो यहां से सीधे सीधे हम थर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट कर रहे हैं, या बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं भी है तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला आपको मिलता है, फॉर्मूला हम बात करेंगे यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया, ऐसे कुछ हो गया। अब स्ट्रेस जो आपको मिलेगा वो फोर्स अपॉन एरिया मिल जाएगा, स्ट्रेन जो मिलेगी ड्यू टू आपने का थर्मल एक्सपेंशन मिलेगी। तो सर स्ट्रेन तो अपन थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी, तो वहां से डेल्टा एल बाई एल अपने पास आ जाएगा स्ट्रेन, अल्फा डेल्टा टी, वहां से या कंप्लीट इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, किसी को आपने का फॉर्मूला याद नहीं बच्चे को, तो एल टी इज इक्वल्स टू हमें मिलता है एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, यहाँ से आपने का सीधे सीधे मिल जाएगा, समय जो फॉर्मूला बोला है, तो फॉर्मूला जैसे पुट करेंगे तो हमें जो यहाँ से मिला है आप कहेंगे डेल एल टी अपॉन एल नॉट इज इक्वल्स टू वन प्लस अल्फा डेल टी आपको मिल जाएगा, माइनस वन ऑफ बोथ साइड तो आप कहेंगे डेल एल अपॉन में एल इज इक्वल्स टू हमें जो मिला है वो क्या मिल जाएगा, अल्फा डेल टी आपको मिल जाएगा, अल्फा डेल्टा टी, ये जो मिला ये फॉर्मूला स्ट्रेन मिल गई, थर्मल स्ट्रेन मिल गया, आपने का वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करते y इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में क्या बोलेंगे स्ट्रेन, और वो दे रखा आपको अल्फा डेल टी आपको दे रखा है, फोर्स पूछा गया तो फोर्स में सीधे सीधे f इज इक्वल्स टू y अल्फा a डेल टी आपको मिल जाएगा, ऐसा कहीं दे रखा होगा ऑप्शन, आपको कह रहे हैं कि वाई ए अल्फा डेल्टा टी, तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, ठीक है। कई बार इसमें थर्मल स्ट्रेस पूछी जाएगी तो थर्मल स्ट्रेस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं सर, थोड़ा सा बच्चों को बता दो ताकि कई बार पूछा जाए तो बच्चा कर लेगा। थर्मल स्ट्रेस की अगर अपन बात करें तो थर्मल स्ट्रेस तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं थर्मल स्ट्रेन की, तो ये आपके पास होने के डेल्टा एल बाई एल, ये आपको सर ने बता दिया कि अल्फा डेल्टा टी बन जाती है, ठीक है ना। तो ये तो अपने पास स्ट्रेन आ गई, मिल गई, ठीक है, और स्ट्रेन को फिर उसके बाद में अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन यहां से अपन लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन, ये आपके पास वाई हो गया, तो फिर उसके बाद में यहां से अगर अपने को स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो फिर उसके बाद में वाई एल्फा, ये आपके पास है डेल्टा टी, और इसको ये अपन लिख देंगे एफ अपॉन ए के बराबर लिख देंगे, जी जी जी, यहां से अपने पास फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन की इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है ये एक नीट लेवल की, नीट के हिसाब से अगर अपन बात करें तो काफी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम ये मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है ना, क्योंकि इसके अंदर देखो एक तो इलास्टिसिटी है उसका भी कंसेप्ट अपन काम में ले रहे हैं, और एक इसके अंदर जो थर्मल एक्सपेंशन है वो भी अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहां से अपने जो स्ट्रेन है ये तो थर्मल एक्सपेंशन से अपने कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट अप की है, ठीक है, तभी अपने को यहाँ से इसी स्ट्रेस की वैल्यू प्राप्त हुई है, जी जी। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको नीट का जो एग्जाम उसके अंदर काफी हेल्प मिलती है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। आप जैसे कोई आईआईटी लेवल की बुक है वो लेकर के बैठ के
और फिर उसके बाद उसमें से तरह तरह की प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं कि मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो एग्जाम में पूछी जाती है नहीं पूछी जाती है, तो इसका मतलब अपनी जो प्लानिंग है वो ही सही नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर बच्चा काम करेगा, बच्चे को ये तो पता होना चाहिए कि प्री मेडिकल का टेस्ट दे रहा है या फिर प्री पीएचडी का दे रहा है। सही बात, प्री मेडिकल का टेस्ट दे रहा है तो ऑब्वियसली आपने क्या उसको बुक उस लेवल की रखनी होगी, अपनी अप्रोच भी उस लेवल तक ही रखना है। सही, आपकी एनर्जी ऐसे वेस्ट नहीं करनी, उसको मेडिकल कॉलेज में जाके मेडिकल साइंस पढ़ना अच्छे से, आगे और कुछ करना रिसर्च करना, अभी जो लेवल का है वही पढ़ना चाहिए आई थिंक। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। तो इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन अपन पढ़ रहे हैं, 9 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। चलो सर करते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ रुख और क्वेश्चन चेंज करें। ये तो वही हो गया सर जो बताया था, इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई इज सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस एस, ये आपको स्ट्रेस यहाँ पे गिवन है, स्ट्रेस को एस से लिख देगा अभी। द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज, तो यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कैलकुलेट एनर्जी, अभी जो फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले से आपको वापस से मिल जाएगा। तो सर वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, देखिए बिल्कुल U बार इक्वल्स टू U बार इक्वल्स टू, आपको याद है बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेस स्क्वायर स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y। मैंने उस टाइम बच्चों को ये आपको बताया भी था कि बच्चों ये वाला फॉर्मूला तो आप याद ही कर ले, याद कर लो और डायरेक्ट चेंज कर देंगे स्ट्रेस। हां बिल्कुल, स्ट्रेस आपको सीधा s देते हैं तो s स्क्वायर अपॉन 2y, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ही नहीं इसके अंदर, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद रखने से कितना फायदा हुआ, जिस क्वेश्चंस को हमें 40, 30 या 50 सेकंड दे रहे थे उसको विदिन 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया, जो टाइम आपका बचा है वो टफ क्वेश्चंस के लिए मॉडरेट क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूले होते हैं एक चैप्टर के अंदर, जैसे 8 या 10 फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो तो भाई हम रिकमेंड करते ही हैं कि ये फॉर्मूले तो आप याद रख के करें, याद रख के चले, क्योंकि हर फॉर्मूला आप डिराइव थोड़ा ना करने बैठेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता अपने पास में, ठीक है ना। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो ये तो देखो सर क्या कह रहा है देखें, ये बहुत प्यारी प्रॉब्लम देखिए, द बल्क मॉडुलस ऑफ इनकंप्रेसिबल लिक्विड इज, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है मैक्सिमम में, काउंटर में अपन देखते बच्चा आता है कि सर इसका जीरो होगा, वन होगा, इन्फिनिटी होगा, पता नहीं ऐसा क्यों सोचता है। अगर थोड़ा सा कंसेप्ट बच्चे को ध्यान में रखना होता कि होता क्या है, बल्क मॉडुलस होता क्या है, तो बल्क मॉडुलस को हम राइट करेंगे तो बी इज इक्वल टू, सर मैं जो राइट कर रहा हूं क्या करेक्ट है, चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ऐसे कुछ मिलता है। अब आपने कहा ये लिक्विड जो आपको दे रखा इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है उस कंडीशन में हम कहेंगे इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो मिलेगा वो कितना मिलना चाहिए आपको, जीरो, कंप्रेस तो होगा नहीं, तो वॉल्यूम इसका हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, कितना भी आप इसमें प्रेशर एक्सटेंड करेंगे उस कंडीशन में ये कंप्रेस्ड नहीं होगा। अब कंप्रेस्ड नहीं हो रहा तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दे कि मैंने प्रेशर यहाँ पे खूब एक्सर्ट किया, प्रेशर खूब इंक्रीज किया, बट वॉल्यूम में चेंजेस जीरो है, तो आपने कहा एनी क्वांटिटी अपॉन जीरो करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मिलनी चाहिए। तो अनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये हुआ कि इनकम्प्रेसिबल मतलब इसको अपन कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, बाहर से अपन एक्सटर्नल प्रेशर इस पे कितना भी अप्लाई करें ना भी एक्सटर्नल, इसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर तो आपने चेंज कर दिया, प्रेशर में कितना भी आपने चेंज कर दिया बट वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है और डेल्टा वी बाई वी यानी इसको अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो बी इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू देगा आपके पास में चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम अब सर यहाँ पे माइनस का साइन ये आपने कैसे लगा दिया, माइनस का तो जब भी आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसमें वॉल्यूम हमेशा डिक्रीज होगा। अच्छा, तो आपने कहा डिक्रीजिंग को ये रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये हुआ कि डेल्टा पी अगर पॉजिटिव प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम में वो घटेगा हमेशा, इस कारण से माइनस का साइन यहां पे माइनस का साइन। बिल्कुल 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 ठीक सर, अच्छे से आपने समझाया। क्वेश्चन नंबर 11 चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 12 जो हमने यहां से पिक किया है, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द वाई ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी आर SO in the figure. If YA and YB are the Young's moduli of the material, then यहाँ पे Young's modulus और यहाँ पे Young's modulus आपसे पूछा गया है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन आपको दे रखा है। आप देखेंगे Young's modulus जो आपको मिलता है Y is equals to सर क्या मिलेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन मिलता है। ये फॉर्मूला आपने का बच्चे को अच्छे से याद तो हो गया सर, हुक्स लॉ ही तो है ये, बिल्कुल हुक्स लॉ ही है भाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, अगर अपन हटाएंगे तो यंग्स मॉडुलस ही आता है, रिजिडिटी को सॉलिड्स के लिए अपन जैसे e को अपन y से रिप्लेस कर सकते, y से रिप्लेस करते हैं तो y कुछ तो अपने पास हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा जी। तो कोई भी जो मटेरियल होता है वो जो इलास्टिसिटी की लिमिट होती है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर शो करता है
और हुक्स लॉ को ओबे करता है वो, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। इसीलिए सर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। और नहीं तो कंप्लीट ग्राफ जो प्लॉट करते तो उसमें आपने आगे कर्व चेंज हो जाता, वो सारी चीजें मिलती है। फिर उसके बाद आगे जाकर के शायद इस प्रकार से यूं होकर के फिर उसके बाद ये यूं हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, ऐसे फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड और फ्लो करना, मतलब इतना इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट हो जाएगा आगे चल करके कि अगर अपन स्ट्रेस को कम भी कर देंगे ना तो स्ट्रेन लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, विस्कस फ्लूइड की तरह ये फ्लो करने लग जाएगा, बहने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी कई बार लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस रीजन के अंदर जो मटेरियल है वो लिक्विड की तरफ फ्लो करने लग जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर के ये लास्ट वाला जो रीजन होता है ना जो ब्रेक होने से पहले, इसकी बात कर रहा है ये, बिल्कुल। इसके अंदर बच्चों एक यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड पॉइंट यहाँ पे आता है, अपने को यील्ड पॉइंट प्राप्त होता है जी जी। तो यील्ड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद में इसके अंदर एक परमानेंट जो डिफॉर्मेशन है वो जनरेट होने लग जाता है, भाई यहां से लेकर के यहां तक अगर अपने इसको छोड़ा तो वापस, तो फिर उसके बाद वापस अपनी ओरिजिनल कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। और बट यहां से लेकर के यहां तक जो ग्राफ वो प्रोपोर्शनल है, अब यहां से लेकर के यहां तक भी अगर अपन छोड़ेंगे तो भी ये आ तो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी इसके अंदर इलास्टिक फटीग आ जाएगी, इलास्टिक फटीग आ जाएगी। और फिर उसके बाद में अगर ये वाला पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट के बाद में इसके अंदर एक परमानेंट सेट पॉइंट आ जाएगा, परमानेंट आ जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगी इसके अंदर। तो सर जैसे मतलब जो भी मैंने ऐसे पढ़ा है कि जो भी जो ज्वेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी भी मेटल को अगर ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो पहले वो यील्ड पॉइंट तक लेकर के आते हैं, तभी बिल्कुल भी नहीं तभी तो अपने ज्वेलरी मेकिंग कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे, नहीं तो वापस अपनी जैसे सोने का बिस्किट था उससे अपने कोई भी ज्वेलरी बना करके रखी बिस्किट में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो सर देखिए आगे क्या करें। तो यहाँ पे जो गिवन कर्व आपको दे रखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो कर्व है इसका जो स्लोप आप कैलकुलेट करेंगे तो किसके इक्वल मिल जाएगा, y के इक्वल मिल जाएगा। तो आपने कहा स्ट्रेन y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्लोप जो मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप हमेशा टेन थीटा, टेन थीटा होता है, टेंजेंट के इक्वल होगा। अब आप टेंजेंट देखेंगे, दोनों का टेंजेंट आप देख लीजिएगा, हम कहेंगे वाई ए अपॉन में वाई बी, बिल्कुल इज इक्वल टू टेन, सर ये बी होगा यहाँ पे वाई ए अपॉन वाई बी, वाई बी सॉरी सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वाई ए अपॉन में वाई बी, बिल्कुल सर, इज इक्वल टू आप कहेंगे क्या मिला, टेन, एक का टेन थीटा जो मिलेगा 60 डिग्री, टेन 60 अपॉन में आप कहेंगे टेन 30 वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करते ही आई थिंक रूट थ्री अपॉन में वन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री, ये जो रेशियो मेरा है वो 3:1 मिल जाएगा। तो वाई ए इक्वल टू 3 times ऑफ वाई बी मिलना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया सर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। इसमें सर और कुछ कहना चाहेंगे हम इसके अंदर, देखो मेन तो यही बात है कि एक तो जैसे मतलब यहां से लेकर के यहां तक तो इसकी ये प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इसको अपन, और फिर उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक जो होती है इसको अपन इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, और जहां भी इलास्टिक लिमिट एंड हो जाती है उसको अपन बोलते हैं यील्ड पॉइंट बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे इसको पराभव बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर एक परमानेंट डिफॉर्मेशन जनरेट हो जाता है, और फिर उसके बाद में जैसे मतलब एक यील्ड पॉइंट के बाद में ऐसा अपने को देखने को मिलता है कि अगर अपन स्ट्रेस है उसको अपन क्या करते हैं डिक्रीज भी कर देते हैं तो भी देखो स्ट्रेन अब अपने आप बढ़ने लग जाती है, इंक्रीज होती है, इसका मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है कि यील्ड पॉइंट के बाद मैटर जो है अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को धीरे धीरे लॉस्ट करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके अंदर मतलब ये वाला जो रीजन है यहां से लेकर के यहाँ वाला, ये वाला रीजन जिस मटेरियल के लिए ज्यादा होता ना उसकी ज्यादा मतलब डक्टिलिटी होती है, ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गोल्ड होता है उसके अपन बहुत लंबे लंबे वायर वगैरह बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसका ये वाला जो रीजन होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है। अब जैसे मान के इसलिए ये वाला मटेरियल है इसको अपन जैसे मतलब यहां से यूं ले जाकर के यहीं पर अगर इसको अपन ब्रेक कर देंगे तो इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी भी कम होगी, जी जी, क्योंकि इसकी स्लोप का मतलब इलास्टिसिटी भी कम होगी, और फिर उसके बाद इसकी डक्टिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, कम होगी, इसकी जो डक्टाइल प्रॉपर्टी वो भी कम होगी। तो बिल्कुल ये वाला जो रीजन है ये तो अपने को इसकी डक्टिलिटी है, डक्टाइल नेचर है उसको बताएगा, और ये इसकी जो स्लोप है वो अपने को इलास्टिसिटी के बारे में बताएगी, ठीक है ना। दो ग्राफ अगर अपने को दे दिए
और आपको पूछा जाए कि कौन ज्यादा इलास्टिक है कौन ज्यादा डक्टाइल है जी, है ना। तो अपन एक बहुत शानदार एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों नीट के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अच्छे अच्छे जो बच्चे होते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए भाई, तो थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाएगा, कोई भी कैलकुलेट कर देगा। थ्योरी के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी है। आप डेप्थ में नहीं हो तो आपने कहा डक्टिलिटी डक्टाइल प्रॉपर्टी की बात कैसे कर सकते हैं। ये टेंजेंट कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ये वाली चीजें आपको बेसिक, आप जाओगे डेप्थ में जाओगे तभी आपको बताएगा। सर ने बहुत प्यारी बात बता दी, बच्चों को मजा आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सर देखो क्या कह रहे हैं, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द लोड वर्सेज इलोंगेशन ग्राफ फॉर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। देखो मटेरियल फिर सर अपने को सेम दे रखा है, यहां से वाई सेम कर देंगे, इट्स शोन। देखो मटेरियल अगर सेम दे रखा है तो कौन से चैप्टर में अपन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लिक्विड अगर सेम लिक्विड है तो उनकी डेंसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में उनकी डेंसिटी सेम हो जाएगी, मतलब जो भी मैटर पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी, डेंसिटी सेम हो जाएगी, इलास्टिसिटी सेम हो जाएगी, और फिर उसके बाद इनकी स्पेसिफिक हीट है वो भी सेम हो जाएगी। अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स पे चले जाते हैं तो वहां पे कैलोरीमेट्री में सेम लिक्विड मतलब सेम नेचर की लिक्विड मतलब स्पेसिफिक हीट सेम हो जाती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद फिगर में देखा, थिकेस्ट वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन। थिकेस्ट का मतलब अपने पास में यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो किसका सबसे ज्यादा होगा। तो सर यहाँ पे अपने को लोड और इलोंगेशन के बीच में ग्राफ अपने को दे रखा है जी जी, तो मैं फिर उसके बाद में वाई प्लस वही इक्वेशन लिख देता हूं मैं। बिल्कुल वाई क्या बन जाएगा आपके पास, वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन क्या जाएगा आपके पास ए, ये डेल्टा एल, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने को लोड वर्सेस इलोंगेशन, तो लोड तो क्या देगा आपके पास एफ फोर्स हो जाएगा, और इलोंगेशन क्या देगा आपके पास डेल्टा एल, तो क्यों ना मैं यहाँ से एफ अपॉन डेल्टा एल क्या निकाल लेता हूँ, ठीक है ना जी जी। और एफ अपॉन डेल्टा एल क्या बन जाएगा मेरे पास में, ये बन जाएगा आपके पास वाई ए अपॉन एल, ठीक है। और एफ ये तो अपन वाई एक्सिस पे ले रखा है और ये अपन एक्स एक्सिस पे ले रखा है, स्लोप बन गया, तो ये आपके पास है स्लोप बन गई, इसको टेन थीटा लिख दूं मैं जी जी जी। और मटेरियल सेम है तो वाई सेम हो गया, और लेंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेंथ भी अपन सेम लेके चलेंगे। तो यहां से आपके पास है टेन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देगा आपके पास में एरिया, एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका सबसे ज्यादा हो जाएगा वो जब उसका एरिया सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा थिक वो सबसे ज्यादा थिक हो जाएगा। तो स्लोप देखो इसकी सबसे कम हो जाएगी स्लोप, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा इसकी है, तो इस कारण से अपन बोल सकते हैं कि डी है ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा थिकेस्ट, और ये हो जाएगा थिनेस्ट, ठीक है ना। तो आपका डी तो ओडी, तो ओडी को टिक कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है ना। वापस वही बात होगी, मतलब स्लोप की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं जी सर। ये क्या कह रहे हैं, वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर से अपने को ए दे रखा है और इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.1%, तो ये परसेंटेज में दे रखा है जी जी। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज 1000 न्यूटन, द यंग्स मॉडुलस ऑफ, तो भाई आपके पास फिर से वही फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको बता दिया कि इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इलास्टिसिटी के जो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सर अपने को यहाँ पे दे रखा है y equals to, y तो पूछा जा रहा है, हाँ y पूछा जा रहा है, तो ये अपने पास हो जाएगा f l upon a delta l, ठीक है ना। सर देखो मैं तो एक काम करता हूँ, मेरे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो बिना सोचे समझे ये वाला फॉर्मूला लिख लेता हूँ। बिल्कुल इससे हो जाएगा सर। अब किसी को अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर देता हूँ जी, कॉन्स्टेंट करना है कॉन्स्टेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। मेरे तो दिमाग में ये वाला फॉर्मूला बैठा हुआ है। तो अब अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से f की, तो f कितना दे रखा है अपने पास में 1000 इंक्रीमेंट। लेंथ अपने को गिवन नहीं है तो यहाँ पे अपने को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, एक बार आप एरिया पुट कर दो तो एरिया कितना दे रखा है अपने को 10^-6 दे रखा है। अब यहाँ पर अपने पास में जो डेल्टा एल बाई एल है यही तो आपके पास में फ्रैक्शनल चेंज हो गया, जो कि या परसेंटेज चेंज लिख सकते हैं 0.1 दे रखा है, परसेंटेज का मतलब 100 पर कितना हो रहा है, तो इसको अपन लिख देंगे 0.1 in 100, तो यहां से अपने पास में बन जाएगा कितना देगा, इसको अपन ऊपर ले जाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा, तो 10^6 तो ये हो गया, 10^6 ये आपके पास है 10^12, ये अपने पास में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, तो 10^12 आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ठीक है ना जी। तो चलिए बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्या कर रहे हैं वेदांत से। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, देखो लेंथ आपको सेम दे रखी, देखो क्वेश्चन है ये, मान लो कि अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया तो उस क्वेश्चन का आधा काम तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने में अगर आप सिंसियर हो और क्वेश्चन पढ़ने में अगर आपकी सिंसियरिटी कम है तो फिर उसके बाद में कोई ना कोई चीज आप भूल जाओगे जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो जाएगी। आप पेपर देकर के आते हैं फिर उसके बाद में ये बोलते हैं ना कि सर हमारे तो सिली मिस्टेक होगी। सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है? सिली का मतलब क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख तो मूर्खतापूर्वक जो गलती होती है उसी को अपने सिली मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या सर इसमें एक चीज और देखेंगे। एक्चुअल में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर की है किसी भी टॉपिक से तो उसका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के अंदर ही है। बस हमें उस पैनी नजरों से उस सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो आप अच्छे से रीड करोगे, सिंसियरली रीड करोगे, आपका सॉल्यूशन आपकी क्वेश्चन को जैसे रीड करोगे, जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन आपके सामने होगा। मतलब सर क्वेश्चन एक पहेली की तरह होता है, बस पहेली उसको सुलझाना है। चलिए अगली पहेली को सुलझाते हैं। सोलंकी सर की भाषा में ये कह रहा है कि टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, आपको लेंथ सेम दे रखी है, एरिया सेम दे रखा है और फिर उसके बाद हैविंग द सेम, तो लेंथ सेम दे रखी है, एरिया सेम दे रखा है, यंग मॉडुलस सेम दे रखा है, तो फिर तो इसके बाद में इसमें कुछ बचता ही नहीं है। जी जी, ठीक है ना। मॉडुलस आर हीटेड टू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स, तो फिर उसके बाद रेशियो फोर्स प्रोड्यूस्ड, तो सर फोर्स का फॉर्मूला तो वापस वही हो गया। बिल्कुल, देखो मैं आपको बता देता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो अपने देखा था एल अपॉन डेल्टा टी, और फिर उसके बाद में एफ अपॉन ए इक्वल टू क्या था आपके पास में, वाई इंटू स्ट्रेंथ एल्फा डेल्टा टी, तो फिर उसके बाद में फोर्स को मैं लिख सकता हूँ वाई ए इसके बाद एल्फा डेल्टा डेल्टा इंटू टी हो गया जी। टेम्परेचर भी आपके पास है सेम है, वाई भी आपके पास है सेम है, ए भी सेम है, एरिया भी सेम हो गया, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा सर, एल्फा, एल्फा हो जाएगा। यहाँ पे एल्फा आपके पास में क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जी जी, और फिर उसके बाद में इफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स दैट ऑफ वायर बी, तो मतलब 3/2 ये तो रेशियो हो गया सर एल्फा का। बिल्कुल बिल्कुल, एल्फा का रेशियो होगा तो फिर उसके बाद में फोर्स का रेशियो भी यही हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एफ वन अपॉन एफ टू इक्वल टू एल्फा वन अपॉन एल्फा टू इक्वल टू क्या, 3/2 तो 3/2 आपका फोर्थ आंसर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है ना जी। तो वापस मतलब यही डाउट है, घूम फिर करके वापस आ गई है, क्योंकि भैया इलास्टिसिटी अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर घुमा फिरा करके तीन चार तो टोटल फॉर्मूले ही है, इसके अलावा है क्या इस चैप्टर के अंदर, बाकी थ्योरेटिकल बातें है वो आपको ध्यान में रखनी है। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, बस यही बातें होती है। और मैक्सिमम प्रॉब्लम जो नीट में पूछी गई वो यंग्स मॉडुलस से पूछी गई, कभी कभार बल्क मॉडुलस की बात की गई, इससे ज्यादा बच्चा आपने क्या पढ़ेगा। बिल्कुल, एनसीईआरटी में देखेंगे ये सारी चीजें और एग्जाम में यही पूछी जाती, तो ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम भी इन्हीं पे बेस्ड होगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे उधर से। अब देखो अपन आ चुके हैं सरफेस टेंशन का क्वेश्चन लग रहा है शायद सर मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरफेस टेंशन में एंट्री होगी सर। क्या कह रहा है कि सरफेस टेंशन में एंटर कर चुके हैं थ्री, इसको अपन ने क्या करके इस टाइड लूज वायर फ्रेम एज शोन इन फिगर, इसको अपन क्या करते हैं सॉफ्ट वाटर के अंदर अपन सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप इसको बाहर निकालेंगे तो वैसे आपका ये जो सर्कुलर ये जो रिंग पोर्शन है इसके अंदर एक लिक्विड की फिल्म बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी। अब क्या कह रहा है देखो, अब ये कह रहा है कि फिर उसके बाद में व्हेन द पोर्शन ए इज पंक्चर्ड विद अ फिल्म दैट्स इट, प्रॉपर्टी अपन बोलते हैं जिसके अंदर वो अपना एरिया सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है। उसके बाद में अगर बी रीजन है बी फिल्म इसका एरिया अगर मिनिमम होगा तो फिर उसके बाद में इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इधर की तरफ अगर शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ना, यहाँ पर इसी रीजन के अंदर आपकी जो फिल्म है वो बच जाएगी, तो फिर उसके बाद एक की तरफ कैसा हो जाएगा, कॉनकेव हो गया, कॉनकेव हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव टुवर्ड्स ए, तो बिकम्स कॉनकेव टुवर्ड्स ए, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा जी, मैं इस क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने को ऐसा सही लगता है तो भी बच्चों अपने को 4-5 सेकंड का टाइम और लगेगा, अपने एक बार सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली होता है क्या जैसे मतलब कोई भी क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं उसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, बच्चा उसको तुरंत प्रभाव से टिक करता है और आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंट होता है कि चलो यार ये क्वेश्चन तो मेरा सही हो गया। फिर उसके बाद में घर जाकर के देखता तो एक ऑप्शन उसको ये मिलता है ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, और भी करेक्ट हो सकते हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपने इस चीज को सीरियसली लिया तो भी आपका कम से कम एक क्वेश्चन तो सही हो सकता है नीट के एग्जाम में, एक सिली मिस्टेक है। एक क्वेश्चन की क्या बात कर रहे हो, एक क्वेश्चन आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर एंट्री दे देता है और रोक देता है, रोक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल, तो चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन
देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली सरफेस टेंशन को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि कोई भी जो लिक्विड सरफेस होती है, फ्री सरफेस होती है, उस पर अपन एक कोई भी एक इमेजिनरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट के एक तरफ लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ, ये तो सरफेस टेंशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मतलब मान के चलेगा ये अपने पास इस प्रकार से कोई एक कंटेनर है, बर्तन है, और इसके अंदर अपन इस प्रकार से लिक्विड वर्क है, इस पर मैंने इस प्रकार से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो इस पे इधर वाला जो लिक्विड है ये भी इसको एफ से खींचता है और इधर वाला लिक्विड है वो भी एफ से खींचता है, तो एफ, ये भी एफ और इसकी लेंथ कितनी एल है, तो यहां से आपके पास टी इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ बाई एल, तो एफ बराबर क्या देगा आपके पास टी इंटू एल देगा, ठीक है ना। अब इधर के लिक्विड का सरफेस टेंशन भी टी और इधर का भी कितना देगा, टी देगा, तो दोनों तरफ से इस पे बराबर फोर्स लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस इमेजिनरी लाइन पे नेट फोर्स अपने पास में जीरो आ जाएगा। जी जी। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना देखो, कि 2 मीटर लंबी लकड़ी की छड़ पानी की सतह पे तैर रही है और पानी का पृष्ठ तनाव कितना भी 0.7 है, छड़ी के एक और साबुन का घोल डाल देने पर पृष्ठ तनाव घटकर के इतना हो गया। जी जी। तो सर इधर का जो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन है वो तो आपके पास 0.07 ही मान लो, और इधर का जो सरफेस टेंशन है ये कितना देगा आपके पास 0.06 हो गया। अब इधर का सरफेस टेंशन अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर उसके बाद नेट फोर्स अपने पास इधर की तरफ आ जाएगा। जी जी। तो नेट फोर्स अपने पास है क्या बन जाएगा, एफ नेट इक्वल टू इसको अपन बोलेंगे एफ वन माइनस अपने पास एफ टू देगा, एफ बराबर क्या देगा टी इंटू एल। जी जी। तो ये आपके पास टी वन माइनस टी टू मल्टीप्लाई क्या देगा आपके पास एल देगा, तो टी वन माइनस टी टू 0.07 माइनस 0.06 कितना देगा 0.01 इंटू एल कितना दे रखा है अपने को यहाँ पे 2 दे रखा है, तो 0.02 कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। सर इसके अंदर एक चीज अगर बचपन में, हालांकि अपना बचपन बहुत जल्दी ठीक है ना 90s के आसपास अपना बचपन था ठीक है ना, तो उस दौरान अगर अपन बात करें तो मेरे को याद है कि एक बार मेरे जो दादाजी मेरे लिए खिलौना लेकर के आए थे, उसके अंदर क्या होता था जैसे मतलब एक बकेट उसके अंदर पानी भर के फिर उसके बाद उसके अंदर एक बोट चलाते थे। जी जी। और उस बोट के पीछे क्या होता था, कपूर लगा होता। बचपन में मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, बाद में जाके समझ में आई। तो एक तरफ का कपूर क्या होता है, पिघलता रहता है, और जहां से कपूर पिघलता है अपने आप ही चलती थी वो, अपने आप ही चलती थी। सोचते थे कि कैसे चल रही है, इसमें इंजन है ना मशीन है ना आवाज आ रही है, और कैसे चल रही है, रखा है और वो चलना स्टार्ट हो जाती थी। तो एक्चुअली होता क्या था उसके अंदर, जैसे मतलब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ कि जैसे मान के चलेगा ये लिक्विड की फ्री सरफेस होगी, यहाँ पर जैसे मान के चलेगा ये कोई मोटर बोट है ठीक है ना, और इसके अंदर पीछे की तरफ मान के चलेगा कपूर लगा हुआ है ठीक है ना। जैसे ये कपूर पिघलेगा इसके पीछे का सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम, तो पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स तो कम हो जाएगा, आगे की तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अपने आप ये आगे की तरफ बढ़ने लग जाती है ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन में चेंज का ये सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक दूसरा वर्जन आया था जिसमें आपने क्या करते हैं, मोमबत्ती जला देते थे या दीपक जला देते थे। बिल्कुल। टेम्परेचर बढ़ता कम ज्यादा हो जाता और वो चलती रहती थी। बिल्कुल। उससे मतलब समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है, बट बड़े होने के बाद पता चला कि ये सारा फिजिक्स का गेम है, फिजिक्स का खेल है। बिल्कुल। और अब अच्छा भी लगता है वो उन खिलौनों से, आप भी खेले मैं भी खेला, आज के बच्चे आई थिंक डिजिटल या दूसरे खिलौनों से खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इसको थोड़ा सा मैं ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे बेस्ड मैंने 3-4 क्वेश्चन है वो आपके लिए डाले इसके अंदर। तो सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, ड्रॉप एनर्जी नीडेड टू ब्रेकिंग ए ड्रॉप रेडियस आर इनटू स्मॉल एन, ड्रॉप्स ऑफ रेडियस स्मॉल आर। जी जी। तो सर एक बड़ी ड्रॉप है, इसको आपने कई सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, तो इसकी रेडियस कितनी आएगी आपके पास, कैपिटल आर, और इस एक की रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी, ये एक है और ये अपने पास कितना देगी एन। तो सर मास कंजर्व रहेगा, बिल्कुल, वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, बिल्कुल, और वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एन छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम। बिल्कुल। तो इसको अपन बोलेंगे क्या बोलेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू बन जाएगा एन इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। जी। तो यहां से अपने पास में बन जाएगा आर क्यूब इक्वल टू क्या देगा आपके पास एन इंटू स्मॉल आर क्यूब देगा। जी। अब यहाँ पे इसके भी इसको भी अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। कैपिटल आर इक्वल टू क्या देगा आपके पास एन टू दी पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर हो जाएगा। जी। और एक जगह अपने को एन की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। जी जी। एन बराबर क्या देगा अपने पास है आर क्यूब अपॉन ये अपने पास स्मॉल आर क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब जो फॉर्मूला चाहिए होगा वैसे कन्वर्ट करवा से रिप्लेस कर दूंगा। जी। अब अपन जानते हैं कि सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म के अंदर अपने को हीट है वो लिबरेट होती है, ये हीट सप्लाई करनी पड़ती है, अपने को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी,
क्योंकि बच्चों अपन जानते हैं कि सरफेस एनर्जी कुछ तो होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। एरिया अगर बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी बढ़ेगी। इसका एरिया कम है, इसका बड़ा, इसका एरिया ज्यादा हो गया तो सरफेस एनर्जी इसकी ज्यादा है। अब इसके पास में ज्यादा सरफेस एनर्जी कहां से आई है? हमने दी है, हमने दी है, बाहर से अपने इस पर वर्क डन किया है, वर्क डन किया है ना। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है आपके पास टी डेल्टा ए लिख देंगे अपन, चेंज इन सरफेस ना। तो वर्क डन अपने को चाहिए होगा या एनर्जी लिख दो ऊर्जा तो इक्वल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो टी और डेल्टा ए की बात करते हैं तो इसका क्या देगा आपके पास n टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस माइनस क्या देगा आपके पास 4 पाई या आपके पास कैपिटल r स्क्वायर आ गया। जी जी, इसके बाद यहां से डायरेक्टली मैं 4 पाई को तो बाहर ले आता हूं, t इसके साथ में लगी जाएगा। जी जी जी, ये आपके पास n r स्क्वायर माइनस या आपके पास कैपिटल r स्क्वायर। जी जी, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर तो इसी के अंदर मिल चुका है। इसका आंसर तो अपने पास है ये रहा 4 पाई t n r स्क्वायर माइनस क्या जाएगा कैपिटल r स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट जाएगा। बिल्कुल, अब देखो आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आप फेस करेंगे तो उन क्वेश्चंस के अंदर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला है ये आपको बताऊंगा। और चलो मैं एक काम करता हूं, यहीं पे बता ही दूं सर ना, सारे फॉर्मूला बता दो एक साथ। चलो सारे फॉर्मूले यहीं पे बता देते हैं। तो बराबर इसको मैं लिख देता हूं 4 पाई इनटू क्या देगा आपके पास कैपिटल t। अब एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं n की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस कर देता हूं। हां n को रिप्लेस कर दो, तो n को रिप्लेस कर देंगे क्या देगा आपके पास में r क्यूब अपॉन स्मॉल r, स्मॉल r क्यूब कि r स्क्वायर अपॉन r क्यूब नीचे स्मॉल r लिख दूं सर माइनस क्या देगा आपके पास में r स्क्वायर। अब यहां पे ये r क्यूब है, अगर इस r क्यूब को मैं कॉमन निकालूंगा बिल्कुल बिल्कुल तो ये वॉल्यूम जैसा सा बन जाएगा। जी, वॉल्यूम बना देंगे इसको, वॉल्यूम चेंज कर देंगे इसको। तो फिर उसके बाद में क्या देगा आपके पास है 4 पाई या आपके पास है r क्यूब टी इनटू टी और r क्यूब अगर कॉमन आ गया तो 1 बाय स्मॉल r माइनस क्या देगा आपके पास 1 बाय कैपिटल r। जी जी जी, अब इसके बाद इसको ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल बिल्कुल वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनटू क्या देगा आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 3 तो ये आपके पास है 4 बाय 3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम बन गया। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 3 इनटू वॉल्यूम इनटू या आपके पास टी, यहां पे ये आपका सरफेस टेंशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाय स्मॉल r माइनस क्या देगा आपके पास 1 बाय कैपिटल r बन जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला बन गया। तो ये अपना एक ये भी काफी अच्छा फॉर्मूला बन चुका है और ये वाला क्वेश्चन भी आगे मैंने डाल रखा है। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट ही करेंगे फिर 3vt 1 बाय स्मॉल r माइनस 1 बाय कैपिटल r। अब कई बार क्या होता है कि अपन को जैसे 3vt 1 बाय स्मॉल r माइनस कैपिटल r ये फॉर्मूला दिखता अपन इमोशनल हो जाते हैं और तुरंत उसको टिक करके बड़े खुशी से आगे वाले क्वेश्चन पे अपन चले जाते हैं। जी जी, बट अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप में तोड़ रहे हो या छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर के बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है। फॉर्मेशन कर, बिल्कुल। तो उसके साथ में क्या लिखा हुआ लैंग्वेज में कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है ना, तो वो लैंग्वेज है उसमें भी कई बच्चे मात खा जाते हैं। जी जी, और आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है ना, आपने पहले भी बोला ना, जो क्वेश्चन को सिंसियरली रीड करेगा वो आगे तक जाएगा। बिल्कुल 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 सही करे हो सर आप। तो इस क्वेश्चन को अपन यहीं पे छोड़ते हैं, बिल्कुल सॉल्यूशन इसका हो चुका है, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी चलो बच्चों, देखो वो क्वेश्चन आ चुका है बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी आप बात कर रहे थे वो आई है, जिसकी बात कर रहे थे। ठीक है ना, तो जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है, तो वो क्वेश्चन आ गया देखो अपना। जी जी, ठीक है ना, तो कौन सा क्वेश्चन करें सर? देखो देखिए आप बच्चों को बताओ वही बात, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ अ लिक्विड रेडियस आर कोलिड्स टू अ फॉर्म ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल। छोटी छोटी ड्रॉप्स यहाँ पे कोलिड होकर एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, तो जो आप स्मॉल आर कैपिटल आर की बात करें वो आपने कहा इंटरचेंज हो जाएंगे और तो इसमें कुछ होना नहीं है। बिल्कुल, तो वहां से इंटरचेंज कर दे या फिर आपने कहा वही प्रोसेस वापस से हम लगा दे, वो तो आंसर अपन ने निकाल ही रखा है। हाँ, तो मतलब सर जैसे छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के अगर बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करेगी ऑब्वियसली सरफेस एरिया तो कम होगा, कम होगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस एनर्जी कम होगी, कम होगी, और एनर्जी कम हुई तो जो कम हुई एनर्जी वो कहां पे चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, लिबरेट। अब आपको ये देखना, देखो ध्यान से, एनर्जी 3vt स्मॉल 1 बाय स्मॉल r 1 बाय कैपिटल r, ये रहा फार्मूला, और 3vt 1 बाय स्मॉल r, और इसके अंदर और कोई ऑप्शन में ऐसा है क्या? तो ये तो चलो है नहीं, है ना, यहाँ पे तो क्या दे रखा है अपने को, प्लस दे रखा है। हाँ, बट बाय चांस अगर होता जी, तो फिर उसके बारे में क्या करते हैं अपन, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है ना, तो नो डाउट ये वाला ही आपका सही हो जाएगा। जी जी, और अगर यहाँ पर माइनस का हो जाता, ठीक है ना, तो क्या अपन इसको टिक कर देते क्या? नहीं, यहाँ पर एब्जॉर्ब दे रखा है, एब्जॉर्ब तो होगी नहीं। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर अगर ऐसा बोलता कि एक बड़ी ड्रॉप को एन छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर अपन स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में यहाँ पे रिलीज की जगह एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना,
तो ये तो वही बात होगी, तो इस पे ज्यादा बात नहीं करके अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलो जो बात कर रहे थे थ्योरेटिकल जी क्वेश्चन जी की फॉर्म में अपने को मिल ही चुकी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, सरफेस एनर्जी बराबर होता है आपके पास सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है ना। एक बड़ी ड्रॉप बना देता हूं मैं, एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन करेगी। तो फिर उसके बाद इस केस में आपका जो एरिया है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और एरिया अगर बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब सरफेस एनर्जी कहां से आई, अपन ने दी इसको, तो इस स्थिति में और थोड़ा एनर्जी, सा चेंज करें, हाँ बड़ी ड्रॉप में आएगा तो एरिया आई थिंक सॉरी घट सॉरी जाएगा। सॉरी सॉरी हाँ सॉरी थोड़ा सॉरी, थोड़ा सा हो गया ये था तो बिल्कुल अपन वही बात करने लग गए जो पहले की थी। जो पहले की थी, ठीक है ना। हाँ इसको थोड़ा चेंज कर तो लेते इसको हैं अपन चेंज कर देते हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रही है। तो फिर उसके बाद में सरफेस एरिया क्या देगा अपना, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो ठीक है जाएगा, ना। तो सरफेस एनर्जी भी क्या देगी अपने, डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगी। जाएगी। और सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहां से एनर्जी अपने को क्या मिलेगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी क्या देगी, रिलीज हो जाएगी। एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और यदि अपने पास में एक बड़ी ड्रॉप को आप छोटी छोटी ड्रॉप्स के अंदर स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद में आपका जो सरफेस एरिया वो क्या देगा, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा और सरफेस एनर्जी क्या देगी, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगी। और एनर्जी बढ़ रही, इसका मतलब आपने इसको एनर्जी दी है, तो एनर्जी क्या देगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी इस स्थिति में। ये बात है भाई, हाँ सर, मैं ठीक है। इसमें एक बच्चों को और बता दें कि ये जो बिग ड्रॉप है और छोटी ड्रॉप है इसके टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है और कई बार पूछे, तो उसकी बात भी साथ में हम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखो ऐसा है कि अपने को ये तो प्रैक्टिकल सी बात है, जैसे अपन मान के लेकर किसी सैलून पे जाते हैं, ठीक जी है ना। फिर उसके बाद उसके पास में एक फुहारा होता है सवर होता और बिल्कुल शॉवर होता है, उस शॉवर से जैसे मतलब वो पानी अपने मुंह पे छिड़कते हैं, ठंडा अपने होता को है, ठंडक बिल्कुल लगती है, ठीक ठंडा है ना। होता है। तो इसका मतलब तो सीधा सा याद रखने का तरीका ये हो गया कि बड़ी ड्रॉप को अगर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर अगर आप स्प्लिट करेंगे, तो इस स्थिति में ये मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा, डिक्रीज टेम्परेचर डाउन होगा, होगा, टेम्परेचर ठीक है डिक्रीज ना। होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो एनर्जी अगर रिलीज हो रही है और रिलीज हुई एनर्जी अगर इसी को हीट की फॉर्म में अगर मिल जाए, मिल तो जाएगी इसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। जी। और इसके बाद में यहां पे जो एनर्जी एब्जोर्ब हो रही है, तो मतलब अब इसने एनर्जी एब्जोर्ब की, यानी इसकी जो हीट एनर्जी है वो इसने एब्जोर्ब कर ली, जी जी ठीक है बिल्कुल ना। तो फिर उसके बाद में इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर गिर जाएगा, घट जाएगा ठीक है ना। तो सर ये भी आपने एक अच्छी बात मेरे को याद दिला दी, जी ठीक जी है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। तो चलो बिल्कुल आगे बढ़ते अगले हैं। क्वेश्चन की तरफ अपन रुख करते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज डिवाइडेड इनटू एट इक्वल ड्रॉप्स, सरफेस टेंशन इज कैपिटल टी, देन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या देगा आपके पास, टी डेल्टा ए, ठीक है ना। तो टी का तो आपके पास टी बन जाएगा, और डेल्टा ए को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 पाई। या अपन एक काम करते हैं सर, इसको 4 पाई को बाहर ही ले देते हैं ना, जी जी बिल्कुल अपन कई बार इस फॉर्मूले को देख चुके हैं, 4 पाई टी। और इसके बाद में एन आर स्क्वायर स्क्वायर होता है। माइनस क्या देगा आपके पास है, कैपिटल आर स्क्वायर, हाँ ठीक है ना। या फिर इनको रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर एक को। फॉर्मूला अपने पास में ये भी होता है कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, एन टू दी पावर 1/3 इनटू स्मॉल आर होता है, ठीक है जी ना। तो अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स अपने को कितनी दे रखी है, 8 दे एट रखी है, जी तो 8^1/3 2 हो गया सर। जी तो बिल्कुल यहां से कैपिटल आर इक्वल टू कितना देगा आपके पास है, 2 × r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है 4 पाई × क्या देगा, टी। इसके बाद एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे आंसर अपन, कैप ऑप्शन भी देख लेते हैं, कैपिटल में दे रखा है, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे। जी तो एन की वैल्यू अपने को 8 फुट कर दी है, तो 8 फुट कर दिया इंटू स्मॉल आर कितना देगा, r/2। तो ये आपके पास r² / क्या देगा आपके पास है, 4, माइनस क्या देगा r² हो जाएगा। तो 8/4 कितना देगा, 2, तो 2 r² - r² हो आर जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 r² × t, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद फोर्थ में थर्ड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपका करने का जो तरीका वो डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कई लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब ये इस स्मॉल आर को रिप्लेस कर देते हैं, तो उससे जी डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में। बट बेसिक फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आप ये याद रख लो ना, ठीक है ना। बाद में स्मॉल आर को रिप्लेस करना है कि कैपिटल आर को रिप्लेस करना है कि एन को अकॉर्डिंग रिप्लेस टू करना है, ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ठीक है। तो चलिए सर, ये भी अपना क्वेश्चन नंबर 21 आराम से सोल्व हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल लिक्विड लिक्विड ड्रॉप है
इसके अपन क्या करते हैं रेडियस आर से अपन आर प्लस डेल्टा आर कर देते हैं, इंक्रीज कर दिया रेडियस, कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सरफेस एनर्जीज। तो बच्चों अपन जानते हैं कि सरफेस एनर्जी कुछ टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया होता है, ठीक है ना। तो आपको सरफेस एनर्जी में चेंज पूछा जा रहा है, तो सरफेस एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा सरफेस एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, सरफेस एनर्जी टू माइनस सरफेस एनर्जी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में टी डेल्टा ए। तो इसको अपन बोल देंगे ए टू माइनस ए वन हो जाएगा। तो यहां पे अपन लिख देंगे टी ए टू की बात करते हैं बाद में, रेडियस कितना हो जाएगी आर प्लस डेल्टा डेल्टा। तो फिर उसके बाद में इसको अपन लिख देंगे फोर पाई इसके बाद में आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास फोर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से मैं फोर पाई इंटू टी फोर पाई को बाहर ले लेता हूं, अभी आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर। जी जी, तो आर स्क्वायर प्लस क्या देगा सर डेल आर का स्क्वायर डेल्टा आर स्क्वायर प्लस टू पाई ऑफ आर डेल आर डेल्टा आर माइनस क्या देगा अपने पास में आर स्क्वायर। तो क्यों ना अपन यहाँ पे जो आर स्क्वायर है इसको अपन आर स्क्वायर से कैंसिल आउट कर कैंसिल आउट कर देगा। एक चीज यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है कि जो डेल्टा आर है ये बहुत छोटा सा वेरी स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल जी। तो इसका अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल बन जाएगा, जैसे 0.1 है, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 0.01 बन जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा आर को यहाँ पे अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टू आर इंटू डेल्टा आर इसके सामने डेल्टा आर स्क्वायर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद इसको अपन किसके हवाले कर देते हैं जीरो के हवाले, तो फिर उसके बाद अपना आंसर बन जाएगा फोर पाई इसके बाद है टी इंटू क्या बन जाएगा अपने पास में टू आर डेल्टा आपके पास में डेल्टा आर। तो फोर इंटू टू कितना रहेगा एट, तो एट पाई टी आर डेल्टा आर, तो क्या बन जाएगा आपके पास है एट पाई टी आर डेल्टा आर, टी की जगह यहाँ पे एस ठीक है ना, लैंग्वेज में देगा लैंग्वेज अपने पास में क्या स्टूडेंट सर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, ये भी अपने पास में वैसा सा क्वेश्चन है ठीक है ना। तो पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन चेंज इन सरफेस एनर्जी अपने को पूछा जा रहा है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी वही हो जाएगा अपने पास डेल्टा एस इक्व टू, इसको अपन बोलेंगे एस ई टू माइनस क्या देगा आपके पास एस ई वन, तो इसको अपन बोलेंगे क्या टी डेल्टा ए, तो टी डेल्टा ए बोलेंगे या इसको अपन बोलेंगे टी इंटू ए टू माइनस क्या देगा आपके पास ए वन हो जाएगा और बराबर टी, और इसको अपन लिख देंगे फोर पाई बाहर ले लो और ए टू, ये तो फॉर्मूला तो सर मैंने याद करने के लिए बोल ही रखा है देखो बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल, तो यही फॉर्मूला था सर बिल्कुल यही फॉर्मूला था ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में ये अपने पास बन जाएगा फोर पाई इंटू क्या देगा टी, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आपकी 27, और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो मैं स्मॉल आर को डायरेक्टली लिख दूंगा, यहां से क्या लिख दूंगा आर बाई थ्री, कैपिटल आर बाई थ्री हो गया ना बिल्कुल बिल्कुल, तो कैपिटल आर बाई थ्री, तो इसको मैं लिख दूंगा आर स्क्वायर बाई नाइन, तो आर स्क्वायर बाई नाइन माइनस क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर, तो 27 बाई नाइन कितना देगा थ्री, तो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना देगा टू आर स्क्वायर टू मल्टीप्लाई इनटू फोर, तो ये आपके पास आ जाएगा एट पाई आर स्क्वायर इनटू टी। अब सुनो ध्यान से, ऑप्शन देखो कि ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, दे रखा है डायमीटर दे रखा है, तो अपन जानते हैं कि रेडियस इक्वल टू क्या था डायमीटर बाई टू, तो आर इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास डी बाई टू बन जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा सर डी स्क्वायर बाई फोर फोर, तो फोर एट बाई फोर कितना बनेगा टू, तो टू देख लो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो अपन तो टी लिख रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा दे रखा है, और लैंग्वेज के अंदर लैंग्वेज में आपने वो गिवन है कि भी सरफेस टेंशन है वो आपको क्या लेके चलनी है सिग्मा लेके चलना है ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो बोलता है ठीक है ना वही बात अपने को मान के चलनी है ठीक है ना, चाहे वो चीज प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल हो चाहे नहीं हो। क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसा भी सुनने को मिलता है, ऐसी बात भी आपको पढ़ने को मिलती है कि वो चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस करती नहीं है, क्वेश्चन भगवान होता है, क्वेश्चन ने जो बोला उसके खिलाफ अपने को बिल्कुल भी नहीं जाना है, अपना ज्ञान लगाना है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर के लगा लो। एग्जाम में तो जो एग्जाम सेट करने वाले पेपर सेट करने वाले ने उसको आपको ये मान के चलना है कि मेरे से ज्यादा दिमाग है उसके पास में ठीक है ना, तभी आपका टेस्ट ले रहा है ठीक है, जो बोला वो लास्ट बस उसमें ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं फिर, ये देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बेसिक ज्ञान देना सर बढ़िया सा बिल्कुल ज्ञान तो देना पड़ेगा सर, इसमें प्रॉब्लम बनती है पूछी जाती है, इसको ज्ञान देना क्या है, ये तो आपने का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर डिस्कस नहीं करेंगे छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, स्पर्श कोण कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता है, देखो बच्चों क्या होता है कि एक्चुअली एक तो होता है कोहेसिव फोर्स एक होता है एडहेसिव फोर्स ठीक है ना।
सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको अपन बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट नेचर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है उसको अपन बोलते हैं एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है कोहेशन का फोर्स हो देगा, और वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स हो जाएगा एडहेसन का फोर्स हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब होता क्या है कि अगर अपन किसी भी लिक्विड और सॉलिड को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लेकर के आते हैं, ठीक है ना, तो इस स्थिति में ये जो फोर्स है, इस फोर्स की वजह से लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब कैसे शेप चेंज हो जाती है, जैसे अगर सर मैं कोई भी जैसे ग्लास लेब है, और इस ग्लास लेब के ऊपर अगर मैं जैसे मान के चलेगा पानी की ड्रॉप, पानी की एक बूंद ले लो, तो पानी की अगर मैं जैसे ड्रॉप रखता हूं तो ये पानी की ड्रॉप इस प्रकार से यू बन जाएगी, ठीक है ना। हाँ सर, तो पानी की ड्रॉप इस प्रकार से, ये मैंने पानी की ड्रॉप रखी इसके ऊपर, तो ये तो अपने पास में क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिक्विड हो गया और ये अपने पास में सॉलिड हो गया ग्लास। अब एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कहां पे बनता है, जहां पे कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां पे, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट यहाँ पे कहां पे हो रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को दो टेंजेंट बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। एक तो टेंजेंट बनेगी इस प्रकार से लिक्विड पर जी, ठीक है ना, और एक टेंजेंट कहां पे बन जाएगी, इस प्रकार से सॉलिड सर्फेस पे, सॉलिड पे और वो भी लिक्विड के अंदर अंदर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो एक तो टेंजेंट कहां पे बन गई अपनी, लिक्विड पे, और एक बन गई सॉलिड पे, लिक्विड के अंदर इन टू द लिक्विड, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज बन गई, तो ये तो अपने पास क्या देगा, ग्लास, ये तो अपने पास में क्या देगा, ग्लास एंड वाटर, ग्लास एंड वाटर, ये अपने पास में जाएगा इस प्रकार से ग्लास, ग्लास एंड ये वाटर हो गया। इसी प्रकार से सर अगर मैं बात करता हूं, ग्लास हो गया मरकरी, और इसके ऊपर क्या ले लेता हूं, मैं मरकरी ले लेता हूं, ठीक है ना। तो सर ये मरकरी बना दिया मैंने, देखो इसके अंदर ये मरकरी ऐसा नहीं बनेगा सर, मरकरी सर मरकरी का थोड़ा सा सरफेस अपने को चेंज करनी पड़ेगी, फिर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा ना। तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी की सारा खेल है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का। ये ग्लास हो गया अपना, और मरकरी अगर इसके अंदर इसके ऊपर अपन रखेंगे तो इस स्थिति में मरकरी ऐसी शेप ले लेगा, बिल्कुल ऐसी शेप ले लेगा, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग है। तो सीधी सी बात ये, इसका खुद का कोहेशन इतना ज्यादा है कि ये ग्लास से थोड़ा सा मतलब दूर भागेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर की बात यह है कि अगर जैसे मान के चलिएगा बहुत सारे अपने फैमिली में अगर अच्छी बॉन्डिंग है, तो फिर उसके बाद अपनी फैमिली में ही अपने मतलब अपने जो भाई होते हैं, इतने फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो इतने क्लोज होते हैं कि दूसरे से अपने को बातचीत करने की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ पे ये अपना मरकरी हो गया, अब इस पे मेरे को क्या करना है, इस पे मेरे को बनाना है कॉन्टेक्ट एंगल। तो एक तो इस पे इस प्रकार से ये टेंजेंट बन गया, और एक अपने पास इस प्रकार से ये बन गया, और दोनों के बीच का ये एंगल बन गया जी। तो यहाँ पे तो थीटा लेस देन 90, यहाँ पे थीटा क्या देगा, मोर देन 90, मोर देन 90। और एक एग्जांपल होता है स्पेशल एग्जांपल, सिल्वर, और सिल्वर और वाटर का, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ले लेता हूं मैं इस प्रकार से सिल्वर, ये सिल्वर हो गई सर जी, और इसके ऊपर ले लेता हूं मैं वाटर, ये अपने पास इस प्रकार से वाटर हो गया, इसकी ऐसी सरफेस बन जाती जी जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इस पे मैं अगर बनाता हूं तो एक तो टेंजेंट बन जाएगा इस प्रकार से, एक तो टेंजेंट बन जाएगा इस प्रकार से ये, और एक बन जाएगा इस लिक्विड के अंदर ये, दोनों के बीच का एंगल कितना देगा, 90 देगा, ठीक है ना। सिल्वर और ये अपने पास में क्या देगा, वाटर देगा, ये अपने पास बन गया वाटर बन गया। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 90, यहाँ पे थीटा मोर देन 90, ये एक्यूट एंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ये अपने पास राइट एंगल हो गया, 90 का एंगल बन गया। ये तो डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बार स्क्रीन को मैं क्लीन कर देता हूँ, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा कैपिलरी एक्शन के बारे में समझा देता हूँ जी जी, है ना। तो देखो अगर जैसे मान के चलेगा आपके पास में ये कैपिलरी है, इसको आपने लिक्विड के अंदर डिफ कर दिया है, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर जैसे मान के चलेगा यहाँ पे जो लिक्विड है इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर जो लिक्विड है वो लिक्विड इस प्रकार से यू बन रहा है, ऐसा शेप ले लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब जैसे मान के चलेगा ये जो पॉइंट आपके पास में, इस पॉइंट पर मेरे को कॉन्टेक्ट एंगल बनाना है, तो कॉन्टेक्ट एंगल कैसे बना दूंगा, एक तो सॉलिड पे लिक्विड के अंदर, और एक इस प्रकार से यू बना सरफेस पे। तो ये अपने पास में क्या बन गया, कॉन्टेक्ट एंगल बन गया, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल है लेस देन 90, लेस देन क्या हो जाएगा अपने पास में, 90 हो जाएगा जी, ठीक है ना। अब यदि इस पर मैं
सरफेस टेंशन का फोर्स देखता हूं, तो देखो इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स खींचाव लग जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और इस फोर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, टी इंटू एल हो गया। ये वाला एंगल अगर थीटा, तो ये वाला एंगल भी अपने पास में थीटा देगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस प्रकार से इधर की तरफ बनेगा टी एल कॉस थीटा, और यहां पर भी क्या देगा आपके पास टी एल कॉस थीटा। तो ये जो टी एल कॉस थीटा होता है ये क्या करता है, इसके अंदर जो लिक्विड चढ़ा हुआ है इस लिक्विड के वेट को बैलेंस कर देता है, बैलेंस कर देता है ना, ये चीज होगी। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसका जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ चल जाता है, ठीक है ना, राइज कर जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब अगर आपका थीटा लेस के 90 है तो इस स्थिति में कैपिलरी के अंदर अपन मरकरी डाल देते हैं या मरकरी के पोर्ट के अंदर अपन जैसे कैपिलरी को अगर अपन डिफ कर देते हैं तो इस स्थिति में वो अपने को नीचे की तरफ फॉल दिखेगा, फॉल दिखेगा अपने को। जैसे कलर चेंज कर लेते हैं अपन इसका, ठीक है ना, बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन अपने पास में है, तो इससे और ज्यादा अच्छा थोड़ा सा आपके समझ में आ जाए। ये अपने पास में सर कैपिलरी होगी, जी जी, और ये अपने पास में मरकरी हो गया, और अगर इसके अंदर अगर अपन मरकरी डाल देंगे तो सर मरकरी नीचे चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी इस प्रकार से यू बन जाती है, सेप मेनिस्कस का सेप यू है, ऐसे हो जाएगा मेनिस्कस। बिल्कुल सर, आपने अच्छा वर्ड मेरे को बताया मेनिस्कस, हिंदी में नवचंद्रक बोलते हैं, हाँ, नवचंद्रक, अच्छा सुंदर सा नाम है सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं टेंजेंट पर ड्रॉ करते हैं, एक तो टेंजेंट लिक्विड पे और एक सॉलिड पे, ये देखो 90 से बड़ा एंगल हो गया, मोर देन 90 डिग्री। अब इस स्थिति में इस पर नीचे की तरफ लग रहा है टीएल लग रहा है, ठीक है ना, और ये नीचे इधर की तरफ जो टीएल लग रहा है ना इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या करेगा इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है ना। अब इसको समझाने का मेरे पास में एक दूसरा तरीका भी है, प्रेशर एक्सिस प्रेशर है, उसे भी अपन समझा सकते हैं, कहीं से भी तो समझ ही रहे हैं, बात एक ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल कंक्लूजन दोनों का सेम। और सर अगर अपन ग्लास वो वाटर के अंदर अगर अपन सिल्वर की मरकरी डाल देंगे तो इस स्थिति में कैसा सर डायग्राम बनेगा ये अपन देख लेते हैं, देखो बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इस प्रकार से ये बर्तन हो गया, ये कैपिलरी होगी अपने पास में, और ये पानी है, और कैपिलरी सिल्वर की है, कैपिलरी सिल्वर की है, ये सिल्वर है, पुराने जमाने में आपने कहा भी करते थे, हाँ बिल्कुल घरों में मिल जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर उसके बाद में अब इसके अंदर अगर अपन लिक्विड डालेंगे, पानी है तो पानी की सरफेस ऐसी रह जाएगी बिल्कुल एकदम, न तो राइज करेगा न फॉल करेगा, राइज एंड फॉल दोनों। इस स्थिति में इस पर अगर मैं जैसे कॉन्टेक्ट एंगल की बात करता हूँ तो 90 हो जाएगा, तो एक तो ये बन गया, एक इस प्रकार से ये बन गया, तो ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। तो इस स्थिति में लिक्विड है न तो राइज करेगा और न लिक्विड फॉल करेगा, ठीक है ना। तो काफी सारा ज्ञान इस पे हो चुका है, तो सर अब आगे बढ़ना चाहिए अपने को, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो सर क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड वन सॉप बबल इज 3 times दैट इनसाइड अ सेकंड सॉप बबल, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा गया है और एक्सेस प्रेशर का रेशियो दे रखा है। तो एक्सेस प्रेशर की फॉर्मूली जो हम राइट करते हैं, पी एक्सेस इज इक्वल टू सॉप बबल की बात की हम कहते हैं 40 अपॉन में आर, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिलता है, बिल्कुल सर डेरिवेशन से मिलता है, एक्सेस प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मिला रेडियस और एक्सेस प्रेशर में रिलेशन हमें जो मिला है एक्सेस टू 1/r मिल जाएगा। तो आर का अगर हम रेशियो देखेंगे, एक्सेस प्रेशर का रेशियो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पे, रेशियो ऑफ सरफेस सॉप बबल 3 times, तो आप इंगे 3:1 दे रखा है, तो रेडियस का रेशियो जो हमें मिलेगा 1:3 मिल जाएगा, बिल्कुल सर। सरफेस एरिया पूछा है तो हम कहेंगे सॉप बबल हो या फिर आपने कहा लिक्विड ड्रॉप हो, ये स्फेरिकल फॉर्म में रहेगी, और स्फेरिकल फॉर्म में सरफेस एरिया हमें मिलता है a इज इक्वल्स टू 4πr2, तो एरिया इज इक्वल्स टू r2। अब यहां से एरिया का रेशियो हम कैलकुलेट करें, आर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है और आर का रेशियो जो हमें मिला 1:3, तो 1:3 का स्क्वायर फॉर्म आप देखेंगे तो 1:9 इसका आंसर मिल जाएगा। तो 1:9 फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। तो सर ये एक्सिस प्रेशर यहाँ पे वर्ड है, तो इसमें आपने जैसे इसका बता दिया जी जी सोप बबल का जी 40/r जी, और अगर ये लिक्विड की ड्रॉप होती है तो फिर उसके बाद उसका क्या लिखते हैं आप। देखो सॉप बबल में सर हम देखते हैं कि इसकी फ्री सरफेस 2 मिलती है, आउटसाइड भी मिलेगी और इनसाइड भी मिलेगी,
लिक्विड ड्रॉप पे आपने कहा फ्री सरफेस जो मिलेगी आउटसाइड मिलेगी एक ही मिलेगी। फ्री सरफेस मतलब सर जो सरफेस एयर के कॉन्टेक्ट में, एयर के कॉन्टेक्ट में, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कंडीशन में ड्रॉप की कंडीशन में 2T आ जाएगा और बबल की कंडीशन में 4T आ जाएगा। अच्छा अच्छा जी जी। तो सर मतलब ये बात हो गई कि जैसे मतलब अपने पास ये कोई एक सोप बबल है जी, ठीक है ना। अब इसके बाहर का जो प्रेशर है वो तो जैसे अगर ये P0 हो जाएगा, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देंगे, P0 बोल देंगे जी जी। और फिर उसके बाद यदि इसके अंदर की अपन बात करते हैं तो इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा अपने पास, 4T/R हो जाएगा जी, ठीक है। तो सर अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ, ये प्रेशर, हाँ बिल्कुल, ये प्रेशर जो जनरेट हुआ ड्यू टू सरफेस टेंशन जनरेट हुआ, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है उसने एक प्रेशर आपने कहा एक्सेस जनरेट, मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ कि इसकी जो वॉल है उस वॉल की भी कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है, बिल्कुल, जो अपन कंसिडर एक बार कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, रेडियस दोनों की बराबर मान लेते हैं। तो सर यहाँ का प्रेशर कितना हो गया, एक बार कलर चेंज करें सर थोड़ा सा, जी जी बिल्कुल, दूसरा अलग दिखाते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे अपने पास में प्रेशर कितना देगा, ये प्रेशर हो जाएगा बाहर का P0। अब अगर अपन इधर से इधर की तरफ जाएंगे, इसके अंदर की तरफ यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे अपनी जो सरफेस है वो कैसी होगी, कॉनकेव हो गई है, बिल्कुल। और कॉनकेव सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, और हर सरफेस पे 2T/R से बढ़ जाता है जी। तो यहाँ पे प्रेशर को मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से, कुछ P0 प्लस क्या देगा आपके पास, 2T/R हो गया, ठीक है सर। अब अगर मैं कुछ गलत करूं तो मेरे को बताएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सर, गलत क्यों करेंगे आप सर। हाँ, अगर इसके अंदर आ गए, अगर अपन इसके अंदर आ गए जी, तो फिर उसके बाद में प्रेशर फिर 2T/R से बढ़ जाएगा जी जी। तो फिर उसके बाद P0 प्लस क्या देगा आपके पास, 2T/R, और प्लस क्या देगा आपके पास, 2T/R। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर, P0 प्लस क्या देगा आपके पास, 4T/R हो गया जी जी, ठीक है ना। अब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर, इनका जो डिफरेंस है वही एक्सिस प्रेशर हो जाएगा जी। तो मैं लिख दूंगा इस प्रकार से, पी एक्सिस बराबर क्या देगा आपके पास, 4T/R हो गया, ठीक है ना। अंदर का प्रेशर माइनस से बाहर का प्रेशर, ठीक है ना। तो ये चीज होगी, मतलब इसने अपने अंदर जो एयर को कैप्चर कर रखा है, ठीक है ना, उसका प्रेशर बाहर वाली एयर के प्रेशर से 4T/R ज्यादा है, ज्यादा। आर यहाँ पे रेडियस है और टी यहाँ पे क्या है, सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। तो काफी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे हो गई है। और अगर एक ही सरफेस होती है, जैसे अपन बात करते हैं लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, ये लिक्विड ड्रॉप होगी जी, ठीक है ना, इसके अंदर तो खाली स्थान नहीं है जी, ठीक है ना। तो यहाँ का कितना देगा अपने पास में, P0, और यहाँ का कितना देगा, P0 प्लस 2T/R जी, ठीक है ना। और इसको भी अपन डिराइव कर सकते हैं, अलग ही पढ़ेंगे अपन, सीधा अपने बच्चे ने देख रखा, बच्चे को पता डेरिवेशन, यहाँ से आपने सिंपल डेरिवेशन बता दिया और कंप्लीट डेरिवेशन, एनसीईआरटी का डेरिवेशन, डेरिवेशन सबका अलग अलग तरीका होता है, बट फाइनल रिजल्ट जो आपको मिला है वो मिल गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को करते हैं साफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये तो सर वही क्वेश्चन जो अपन बात कर रहे थे। अच्छा, एक्सेस प्रेशर, अपन ने क्या इधर उधर की इतनी सारी बातें कर ली ना, कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। नहीं, आई थिंक बच्चे को भी कोई टॉपिक लेके बैठे तो उस टॉपिक को कंप्लीट पहले रिवाइज करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इस चैप्टर में इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें होती है वो बातें पहले रिवाइज कर लेगा तो सारी प्रॉब्लम लाइन से बन जाती है जी सर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल देन दैट ऑफ द आउटर प्रेशर इज 40/R, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम कंज्यूम किए, यस। ये सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं अपन, देखो ये अपने पास है कि रेडियस ऑफ टू सोप बबल्स R1 R2 दे रखी है, आइसोथर्मल कंडीशन जी जी, टेंपरेचर कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, और टेंपरेचर कांस्टेंट है, फिर उसके बाद में दोनों की रेडियस R1 R2 दे रखी है, वैक्यूम के अंदर है, वैक्यूम के अंदर, मतलब बाहर का जो प्रेशर P0 कितना देगा, 0 देगा, 0 हो जाएगा। तो अंदर का जो प्रेशर है ना वही अपने पास 40/R हो जाएगा, जो एक्सिस प्रेशर है वही प्रेशर बन जाएगा जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो PV=nRT जो अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, जी जी, मैं एक बार राइट कर दूं, हां सर बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं राइट करता कि बच्चा समझ जाए, पीवी बच्चा सोच रहेगा, बिल्कुल, μRT जी सर, टेंपरेचर कांस्टेंट है, टेंपरेचर कांस्टेंट, हिस कांस्टेंट है, और बबल है तो आपने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अंदर कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी जो कि प्रॉब्लम में दे रखा है। और ये जो प्रेशर है वही आपका एक्सिस प्रेशर है, सर ने जो बोला 40/R वाला, ऐसा ये आपको सारा का सारा कांस्टेंट मिल गया, ऐसा सर आप बोल रहे थे, कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर इसके अंदर जैसे मतलब यह अपन एक काम कर सकते हैं कि जैसे दोनों बबल्स है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से देख लेता हूं कि जैसे अपने पास में दोनों बबल्स हैं, उन दोनों बबल्स के अंदर ये भी बड़ा मजेदार है इरेजर भी, तो PV=, अपने पास में क्या बन जाएगा, PV=, आपने बोला कि सर μRT जी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, तो मैं एक काम करता हूँ पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ कर देता हूँ जी जी, ठीक है ना, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू μ कर देंगे।
अब दोनों बबल्स को आपने मिला करके एक बड़ा बबल बना लिया है, ठीक है ना। तो जैसे मतलब एक तो अपने पास में ये बबल हो गया, एक अपने पास ये बबल हो गया, इन दोनों को मिला करके आपने इस प्रकार से एक बड़ा बबल फॉर्म कर दिया है, ठीक है ना। इसकी रेडियस अपने पास आर वन होगी, इसकी रेडियस अपने पास आर टू होगी, और इसकी रेडियस अपने पास आर होगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने म्यू वन, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने म्यू टू, तो इसके अंदर कितना लेंगे म्यू म्यू। तो सर अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने म्यू वन प्लस म्यू टू, म्यू वन प्लस क्या देगा म्यू टू। तो यहाँ पे जो म्यू वन है, म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं पी इंटू या आपके पास वी, और म्यू वन को अपन क्या लिख पी वन पी वन वी वन प्लस क्या देगा आपके पास पी टू वी टू देगा। तो यहाँ पे पी वी को अपन पी को अपन क्या लिख देंगे बड़े फोर टी अपॉन आर जी, तो ये अपने पास आ जाएगा फोर टी अपॉन क्या बन जाएगा अपने पास आर इंटू V को अपन क्या लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब जी, 4/3 पाई तो सब में कॉन्स्ट कॉमन हो जाएगा, तो इसको अपन आर क्यूब भी लिख देते हैं जी 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 बराबर। तो P1 को अपन क्या लिख देंगे, इसको अपन लिख देंगे 4T बाई R1 R1 और फिर उसके बाद में इनटू क्या देगा क्यूब R1 क्यूब, और फिर उसके बाद में ये अपने पास बन जाएगा 4T अपॉन R2 अपने पास R2 इनटू क्या बन जाएगा आपके पास R2 का क्यूब, और 40 बाई आर 40 से 40 को कैंसिल कर देंगे कैंसिल आउट हो गया। तो फिर उसके बाद अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनल आर स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस क्या देगा अपने पास आर टू स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो तब है जब दोनों बबल पूरी तरह से मिलकर के एक बड़े बबल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल होना चाहिए, आइसोथर्मल होना चाहिए तभी अपन टी को कांस्टेंट मान लेंगे जी जी जी, और वैक्यूम में होना चाहिए सर, वैक्यूम में होना चाहिए, क्योंकि अगर वैक्यूम नहीं होता बाहर का प्रेशर अगर पी नॉट होता तो फिर तो अंदर का प्रेशर अपन पी नॉट प्लस ऐसे मान रहा हूँ कि अपने पास में ये दो बबल थे, तो इस वाले बबल के अंदर की अंदर का जो प्रेशर है वो अपने पास में क्या देगा इस प्रकार से 4T बाय R1 R1 लिख देते हैं जी, और इसके अंदर का जो प्रेशर है वो अपने पास में क्या देगा आपके पास 4T बाय R2, ये अपने पास में क्या देगा R2, ठीक है ना। और प्लस में इसमें P नोट कर देते हैं, और इसमें भी अपन प्लस में क्या कर देते हैं P नोट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि छोटे वाला जो बबल है इसकी रेडियस कम है, रेडियस कम है तो इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा, और इसके अंदर का प्रेशर क्या देगा कम कम होगा, तो अगर ये ज्यादा प्रेशर लगेगा तो इस स्थिति में दोनों बबल्स की बीच की जो कॉमन इंटरफेस होती है वो थोड़ी सी किसकी तरफ इस प्रकार से झुक जाएगी, इसकी तरफ झुक जाएगी थोड़ी सी, और अगर इसको मैं इस प्रकार से बड़ा कर देता हूं तो ये किसी न किसी एक बड़े बबल को रिप्रेजेंट कर रहा है जी जी, ठीक है सर। तो इस बबल को अब आप इसको भी भूल जाओ, आप इसको भी भूल जाओ, आप तो देखो कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो बबल बनाया है यही आपके पास एक बबल है, तो इसके अंदर का प्रेशर कितना रहेगा, अंदर का प्रेशर इसके अंदर का प्रेशर तो ये हो गया 40 R1, ये अपने पास हो जाएगा P नॉट प्लस क्या देगा आपके पास 40 अपॉन R1, और इसके बाहर का प्रेशर क्या देगा आपके पास P नॉट और माइनस 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 हो जाएगा माइनस क्या देगा आपके पास 40 अपॉन R2 जी, ठीक है ना। ये एक्सिस प्रेशर हो गया जी जी जी, और इस एक्सिस प्रेशर को अपन क्या लिख देंगे 40 अपॉन कैपिटल R लिख देंगे, RC लिख दो जी जी, कॉमन इंटरफेस बोल देंगे इसको जी जी कुछ भी बोल, तो P नॉट से गया P नॉट 40 से 40 गया, तो यहां से आपके पास हो जाएगा 1 बाई कैपिटल आर इक्वल टू 1 बाई आर वन, सॉरी यहां से आपके पास बन जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू क्या देगा आपके पास 1 बाई आर वन माइनस क्या देगा अपने पास 1 बाई आर टू, और इसको अगर अपन सॉल्व कर देंगे तो आर इक्वल टू क्या देगा आपके पास है आर टू आर वन आर टू R2 माइनस R1 बोल दो इसको जी जी जी, तो अपने पास एक कितना 5 4 कितना देगा आपके पास 20 डिवाइडेड 5 माइनस 4 कितना देगा आपके पास 1, तो सर 20 वाला आंसर टिक कर दें आप, सेकंड ऑप्शन इसका मिल जाएगा बिल्कुल। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लें, देखो एक चीज थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ये पहले वाले क्वेश्चन में दोनों बबल्स मिलकर के एक बबल का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे दोनों पूरी तरह से फ्यूज नहीं हुए कॉन्टेक्ट में, हाँ उनकी सरफेस का ये जो कुछ पार्ट है ना ये फ्यूज हो रहा है सर जी जी जी, ठीक है ना, और ये फ्यूज हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमन इंटरफेस बन रही है जिसको अपन हिंदी में एक अच्छा सा वर्ड जिसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ अंतरापृष्ठ जी जी जी, ठीक है ना बिल्कुल। इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो तो ये वर्ड्स अगर सुनेंगे दिमाग खराब हो जाएगा उनका, तो कैसा भी बनाता क्या, हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है क्या। जैसे मैंने एक दिन ऐसे एक जोक पढ़ रहा था मैंने, तो उसमें ऐसा था कि
जैसे सर बचपन में अपन एंगल्स वो ट्राइंगल्स वगैरह पढ़ते थे, जी जी, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु, बड़े बड़े नाम, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नाम होते थे, ठीक है ना, विषम लंबाक्ष, पता नहीं क्या क्या नाम होते थे, तो ऐसे था जैसे मतलब राक्षसों के नाम है जैसे कोई, ठीक है ना, जी जी जी, जैसे रामायण महाभारत में अपन जो राक्षसों के करेक्टर पढ़ते हैं वैसे ऐसे नाम लगते थे, ठीक है ना, समद्विभाजक, समद्विभाजक है ना, जी जी, और इंग्लिश में बाइसेक्टर, बाइसेक्टर, ठीक है ना, इजी कभी। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं क्या अपन। वाटर राइज इन ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब अप टू अ हाइट 2 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल देन अप टू व्हाट लेंथ ऑफ द वाटर विल राइज इन द ट्यूब। यहां से आपसे पूछा है तो यहां से आप देखेंगे इसको इंक्लाइन कर देंगे, तो इंक्लाइन कर देंगे तो लिक्विड की जो लेंथ है हाइट है इसमें रिलेशन जो मिलता है ऐसे कुछ हमें मिलता है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड को ले लेते हैं और ये जो कैपिलरी थी ऐसे कुछ इसमें राइज कर रखा लिक्विड एच हाइट तक, एच हाइट तक आपने लिक्विड राइज कर रखा था या एन लेंथ तक, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी लो, कुछ भी ले लो, एच ले लिया। अब इसको इंक्लाइन करेंगे ऐसे कुछ, ऐसे कुछ इंक्लाइन कर देंगे, कितने एंगल पे इंक्लाइन किया, 60 पे, 60 पे हॉरिजॉन्टल से 60 पे, नहीं ऊर्ध्वाधर से वर्टिकल से, वर्टिकल से आपने का 60 पे, ये 60 पे इंक्लाइन कर दिया। तो इस कंडीशन में हमने कोई चेंजेस नहीं किया लिक्विड में या इसकी सरफेस में, तो ये जो हाइट मिलनी है वो तो एच ही रहेगी, वो तो बिल्कुल हाइट चेंज नहीं होगी, क्योंकि हाइट का जो फॉर्मूला मिलता है एच इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन में ROG, बिल्कुल, तो रेडियस चेंज नहीं किया, लिक्विड चेंज नहीं किया, ग्रेविटी चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, हाइट तो कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर बच्चा कहीं ये नहीं समझ ले कि ये जो cos थीटा से थीटा चेंज हो गया तो हाइट चेंज, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम कई बार ऐसे यहाँ पे दिखाएंगे ना, ये जो एंगल है इसको अल्फा ले लो, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, बिल्कुल जी। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो रिलेशन आप देखेंगे सीधे सीधे, सर आपने अभी तक जितनी बात बताई उसका मतलब ये है कि अगर आप इसको किसी भी एंगल पर इस प्रकार से ट्रीट कर देंगे, जी जी, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो तो वही रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, बट लिक्विड की लेंथ चेंज हो जाएगी, लिक्विड की लेंथ चेंज, अब लेंथ को हमने डिनोट किया यहाँ से एल से, एल से डिनोट कर दिया, तो यहाँ से जो मिलेगा आपको एल कॉस 60 इज इक्वल्स टू एच मिल गया, तो यहाँ से आप कहेंगे एल cos 60 इज इक्वल्स टू h मिला, हमें लिक्विड की लेंथ पूछी है तो लेंथ जो मिलेगा l इज इक्वल्स टू h अपॉन cos 60। अब cos 60 की वैल्यू बच्चों को पता है h अपॉन में cos 60 1/2 और 1/2 पुट करते हमें हाइट जो सॉरी लेंथ जो मिलेगी वो 2h के इक्वल मिल जाएगी। h आपको इनिशियल गिवन था 2 सेंटीमीटर, तो अब जो लेंथ इसकी मिलेगी वो आई थिंक 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपका जी जी 4 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो मतलब इसके अंदर ये फॉर्मूला बच्चा ध्यान में भी रख सकता है कि जो l है या इसको मैं तो h डैश पढ़ाता हूं, मैं तो इसको h डैश बोल देता हूं कि ये अपने पास h डैश हो गया, जी जी जी, h डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h / cos थीटा, cos अल्फा, ये l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास h / cos अल्फा बोल दो, जी जी बिल्कुल। अब यहां पे अपने को ध्यान ये रखना है कि ये जो l / ये एंगल विद वर्टिकल है, इस कैपिलरी ट्यूब का वर्टिकल के साथ में एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे ये कांटेक्ट एंगल अलग होता है, ये फॉर्मूले जो आता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जिसकी बात आपने अच्छे से की थी अभी, बिल्कुल बिल्कुल जी जी। क्वेश्चन नंबर 29 फिनिश हो चुका अपना, तो चलो सर क्वेश्चन नंबर 30 देखो सर क्या कह रहा है, देखें। वाटर राइज टू अ हाइट एच इन ए कैपिलरी एट द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द सेम कैपिलरी विल बी। यहाँ पे हमने कैपिलरी एक्सपेरिमेंट को एक बार अर्थ सरफेस पे रिपीट किया और उसी एक्सपेरिमेंट को हमने मून सरफेस पे बात किया, तो क्या चेंज होगा सर वहाँ पे मून पे जाने से, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो ग्रेविटी जो है अर्थ की 1/6 टाइम्स वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन मिलता फॉर्मूला अभी देखा था हम लोगों ने कि हाइट जो है कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है लिक्विड की जो हाइट है वो मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन में ROG मिलता है। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट रखी, वही कैपिलरी है, वही एक्सपेरिमेंट है, बट ग्रेविटी चेंज होगी तो h डैश टू 1/g मिला है। तो यहां से हम कहेंगे मून का जो ग्रेविटी है अर्थ से कम होता है, कितना कम होता है 1/6 टाइम कम होता है, तो हाइट आई थिंक आप कहेंगे 6 टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। अर्थ सरफेस पे h था तो मून सरफेस पे 6h हो जाएगा सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो मतलब ग्रेविटी अगर घटेगी तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है ना जी, ये कहना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल ठीक बात आपने बताई, अच्छी बात थी ये। सर ये एच, एक एच का आर के साथ में भी रिलेशन अपन देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। तो फिर उसके बाद जूरिंस लॉ, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है जी। तो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस अगर अपन कम लेते हैं ना तो फिर उसके बाद उसकी हाइट बढ़ जाती है, हाइट बढ़ जाती है जी जी, ठीक है ना, ये चीज है, मतलब बिल्कुल ठीक है। कैपिलरी एक्शन के तो डेली लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स अपन देख सकते हैं, खूब सारे है ना। बचपन में जब हम गांव में जाते थे दादी के वहां, तो रात को लाइट नहीं रहती थी और हमें कुछ पढ़ने की आदत थी या कुछ करना था, तो दादी क्या करती हमारे लिए लैंप जला देती थी। लैंप जी जी जी, वो घर में होममेड लैंप। अच्छा, तो सर वो लैंप तो खुद हमने भी खुद ने बनाया है, बिल्कुल एकदम, एक बोतल होती थी, उस बोतल के अंदर ऊपर उसका जो ढक्कन होता है उसमें छेद करके उसके अंदर धागा डाल करके वैसे ही, ठीक है ना। तो जब वो बनता था ना तो हम देखते थे कि ये जो लिक्विड है, यानी जो आपने फ्लूइड लिया है, केरोसिन आपने यूज किया है, उसका लेवल तो नीचे और आग यहाँ पे जल रही है, और दादी या उनसे पूछते थे कि केरोसिन से जला, तो हम कि ये ऊपर कैसे आ रहा है, ये तो नीचे रहता। अच्छा, हुआ और रिएक्शन टाइम के साथ उसका लिक्विड का लेवल कंटिन्यू डिक्रीज हो जाता, तो ये समझ में नहीं आ रहा था ये लिक्विड गया था, बंद बोतल में कहाँ गया। फिर बड़े हुए तब समझ में आया कि लिक्विड जो था कैपिलरी एक्शन से मूव करता था और वहां जाके बर्न होके हमें लाइट देता था, रोशनी देता था। तो सर फिजिक्स डेली लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मतलब चीजें अगर फिजिक्स के अंदर अपन घुस करके अगर देखते हैं तो डेली लाइफ की कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने को फिजिक्स के साथ साथ में अपने क्लियर होते जाते हैं। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन रुख करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना देखिएगा, या सर ये क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहे हैं, देखें। अ सब बबल इज ब्लोन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल पंप एट द माउथ ऑफ द ट्यूब, द पंप प्रोड्यूस सर्टेन इंक्रीज पर मिनट इन द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंटरस्पेक्टिव ऑफ द इंटरनल प्रेशर, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर इनसाइड द सॉफ्ट बबल एंड टाइम टी विल बी, प्रेशर टाइम के साथ कैसे चेंज होगा उसका रिलेशन पूछा जा रहा है। अब देखिएगा कोई भी बबल यहाँ पे ले ले और यहाँ पे आपने एक पंप लगा दिया, आपने मैकेनिकल पंप लगा दिया, ये मैकेनिकल पंप है जिसमें कंटिन्यू आपने का एयर को ब्लो कर रहा, एयर को ब्लो यहाँ पे वही बात होगी कि बच्चा बोलेगा कि जैसे ये बबल है, बबल के पास में अगर अपन पंप लेके आएंगे तो फूट जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि इसको फुला रहे हैं, फुला मतलब आपको फुलाना ही है, आपको दिमाग नहीं लगाना फूट जाएगा, इधर उधर की बातें आपको नहीं सोचनी है। तो सर क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे ही हम कहेंगे एयर का अमाउंट इंक्रीज हुआ, एयर का अमाउंट इंक्रीज होने से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज होने से आप कहेंगे रेडियस भी इंक्रीज होगी इसकी, रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी, तो एक्सिस प्रेशर जो है उसका फॉर्मूला अभी आपने डेरिवेशन के साथ बताया था कि पी एक्सिस जो था इनसाइड वो इक्वल्स टू 4t अपॉन में r था, तो p का r के साथ रिलेशन मिला है इनवर्सली जी। तो यहां से टाइम के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा, रेडियस इंक्रीज हो रही, और रेडियस इंक्रीज होने का मतलब प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, मतलब मैं वो ऑप्शन सी कर दूं जिसके अंदर टाइम तो बढ़ रहा है और प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है क्योंकि टाइम बढ़ने के साथ में रेडियस बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है जी, और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है जी जी। तो सर फिर उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन सी जा रहा है आपके हिसाब से, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जैसे दो बबल का कंपेरिजन दे रखा है, ऐसे बड़ा बबल है एक छोटा बबल है, दोनों में एयर फिल कर रखी है, इसमें P1 है, इसमें प्रेशर P2 है, बच्चों को बोलते हैं कि इनको एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके हैं सर। जी 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 हाँ। तो बच्चा क्या बोलता है कि इसके पास एयर ज्यादा है, इसके पास कम है, कम से ज्यादा की ओर चली जाएगी, टाइम के साथ इसको तो बड़ा कर देता है, इसको छोटा कर देता है, घर आके देखता कि -1 हो गया। बिल्कुल, उसको ऐसा लगता है कि कम से ज्यादा, कम से ज्यादा, वो क्या है कई बार बच्चा क्या करता है अपनी दुनिया अपने खुद ही वसा लेता है, जबकि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, लॉजिक ज्यादा की तरफ। हाँ, तो यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगेगा, ये प्रेशर वाला, कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा, इसकी रेडियस पे डिपेंड कर रहा, साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल बिल्कुल आप इनके अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका रेडियस, जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और एयर का जो ब्लो होगा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, तो इसमें प्रेशर ज्यादा है, इसमें प्रेशर कम है। मतलब कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज का अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पे एक चीज आती है, ग्रेडियंट आती है, बिल्कुल। जैसे अपन बात करते हैं बच्चों हीट की बात करते हैं, तो हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर की जो स्लोप होती है डिस्टेंस के साथ में, वो अपने को हीट फ्लो की जो रेट है वो डिसाइड करती है जी जी। ये अपन थर्मल कंडक्शन के अंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल। जो समझदार बच्चे हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे, मेरी भावना समझ गए होंगे कि मैं किस रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, थर्मल कंडक्शन की बात होगी, बिल्कुल। इसी प्रकार से जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, बिल्कुल, ठीक है ना।
दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो इस स्थिति में क्या होता है कि एयर का फ्लो भी बहुत तेजी से होता है जी। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे गर्मियों के दिनों में बहुत तेज तूफान आंधी वगैरह आता है, ये ऐसा ही होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा तो यहाँ पे एयर में क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया जी जी, और एयर एक्सपेंड हो गई, फिर उसके बाद यहाँ का प्रेशर डिक्रीज हो गया, फिर उसके बाद आसपास के इलाके में जहां से प्रेशर ज्यादा वहां पे तेजी से यहाँ पे क्या होती है एयर आती है जी जी, और जिससे मतलब आंधी तूफान चक्रवात अपने को बिल्कुल मिलते हैं बिल्कुल, ये इसका कारण होता है। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी का अंदर अपन डिसाइड करते हैं कि जो चार्ज फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बिल्कुल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे क्या प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। जितने भी फिजिकल कंडीशन सबके सब सिमिलर वर्क कर, बिल्कुल 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 जी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो सर इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा ज्यादा, इसके अंदर प्रेशर कम होगा, तो फिर उसके बाद में जो एयर होती है वो इस प्रकार से इससे इसकी तरफ फ्लो करेगी जी जी, ठीक है ना, जिसकी वजह से टाइम के साथ सकते हैं कि टाइम के साथ में ये तो क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा जी जी, और ये क्या होता जाएगा इस प्रकार से एनलार्ज होता जाएगा, एनलार्ज होता जाएगा, ठीक है ना, टाइम के छोटे वाला छोटा होता जाएगा, बड़े वाला बड़ा होता जाएगा जी जी, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं फिर ज्ञान और दे देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर इसी का वेट कर रहे हैं बिल्कुल। तो एक मिनट इसके अंदर देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि ये तो चलो हर कोई अपन बुक्स में पढ़ लेते हैं, बच्चों को याद भी होता है सर, छोटे वाला छोटा बड़े वाला बड़ा टिक करके आता है, लास्ट में क्या होगा, हाँ जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आएगा, लास्ट स्टेज जी जी, उसमें क्या होगा, उसके अंदर चलो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान के बलून कंसिडर कर दो बच्चा, हाँ अच्छे से समझ बिल्कुल, ये मान के चलेगा बबल हो गया, फिर उसके बाद ये अपने पास में ट्यूब होगी, ठीक है, अब बड़े वाला बड़ा होगा, छोटे वाला एकदम बिल्कुल खत्म तो होगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो लास्ट में यहाँ पे जो छोटे वाला है इसकी सरफेस होती है ना तो इस प्रकार से फ्लैट नहीं होती है, ठीक है ना, इसकी सरफेस थोड़ी सी इस प्रकार से यू हो जाती है, ठीक है ना सर। तो देखो जैसे मतलब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके दोबारा से इसकी सरफेस को रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, तो इसकी सरफेस इस प्रकार से यू हो जाती है, ठीक है ना, और अगर इस आर्क को इसको अपन अगर जैसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो इससे भी क्या बनेगा, इस प्रकार से एक बबल बन जाएगा, बबल बनेगा, और इसकी रेडियस, इसकी रेडियस के बराबर होती है, बराबर हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर बराबर होगा, तब जाकर के इन दोनों के बीच में एयर का फ्लो रुक जाएगा, फ्लो, ठीक है ना। तो कर्ड होती है, कैसी होती है, कर्ड होती है, इसकी सरफेस होती है कर्ड हो जाती है। चलो सर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन करते हैं, रुक करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आप करें, चेंज करें क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों में आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो, इफ द वर्क डन इन ब्लोइंग ए बबल ऑफ वॉल्यूम वी इज डब्ल्यू, वर्क डन टू ब्लोइंग ए बबल ऑफ वॉल्यूम टू वी फ्रॉम द सेंस ऑफ सॉल्यूशन विल बी। तो यहाँ पे वर्क डन अपने को पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया, ये कई सारी चीजें इसके अंदर है, तो मैं इसके अंदर ऐसे लिख देता हूँ कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास में आर क्यूब हो गया। तो सर यहां से मैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर 1/3 लिख दूं जी, बिल्कुल। और कभी अगर मेरे को सरफेस एरिया की जरूरत पड़ी तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर क्या जाएगा, 2/3 बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास है टी इंटू ए जी, सरफेस टेंशन सेम है तो आपके पास है डब्ल्यू टू अपॉन क्या देगा आपके पास है W1 इक्वल टू क्या देगा आपके पास है A2 अपॉन A1 अपॉन A1, तो इसको अपन क्या बोल देंगे R2 स्क्वायर अपॉन क्या देगा आपके पास R1 स्क्वायर, तो R2 अपॉन R1 इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बताओ V की पावर 2/3, तो आर स्क्वायर हो गया ना जी, टू दी पावर 2/3, तो बाद का वॉल्यूम तो कितना देगा आपके पास है 2V, और फिर ये कितना देगा आपके पास है V, इसकी पावर क्या देगा आपके पास है 2/3, तो यहां से अपने पास में क्या बन जाएगा 2 to the power 2/3, और ये इसको अपन बोलेंगे 4 to the power 1/3, और ठीक है ना जी, तो यहां से आपके पास है W2, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो W2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास है 4 to the power 1/3 इनटू क्या देगा W, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से रूट बना करके 4, यहाँ पे अपन 3 लिख देंगे, और ये अपने पास क्या जाएगा W, तो सर आपका फोर्थ ऑप्शन जाएगा करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो ये अपने पास में कुल मिलाकर के 32 क्वेश्चंस का अपन ने एक सेट लिया था, और इसके अंदर हमने इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन की जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है, वो मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो हमने बताने का प्रयास किया है, ठीक है बच्चों। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर उसके बाद अगली गुरु नीति में, ओके सर। बिल्कुल तो कैसा लगा आज आपको सर, मजा आ गया, आपने जो बात की ना नीट की बिल्कुल सटीक है, ना तो इधर की ना उधर की, बिल्कुल नीट की बात की, ये सबसे अच्छी बात है। और बच्चा अगर इसी चीज को लेके चलेगा ना तो उसको अपने का ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 12th कैसा सेलेक्ट होगा या फ्रेशर सेलेक्ट होगा, क्योंकि हमें
उसी लाइन पे चलना है। और आज हम वही चले, मजा आ गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो कुल मिलाकर की बात ये कि एक बार दिन में इस चीज को याद कर लिया करो कि अपन किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम के पेपर का लेवल क्या होता है, ये चीज आप माइंड के अंदर रखें, तभी आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ये भी आपके ध्यान में अगर हो तो आप ज्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर।